हाल ही में शाहरुख खान की एक कमाल की मूवी आई थी जिसका नाम था पठान जिसने बहुत से रिकॉर्ड तोड़े जिन लोगों को लग रहा था कि ये मूवी फ्लॉप रही थी इनके लिए बड़ा जवाब था तो आज हम यहाँ पर एक और कमाल की जो मूवी है शाहरुख खान की उसी के बारे में बात करेंगे और ये जो मूवी है वो आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी और दोस्तों अगर ये मूवी आज रिलीज़ होती मतलब 2023 के अंदर इस मूवी को रिलीज़ किया जाता तो क्या ये मूवी ब्लॉकबस्टर रहती बहुत सारी जानकारी इस मूवी के बारे में आपको देने वाला हो साथ में ये मूवी हिंदी के अंदर कहाँ पर आपको देखने को, देखने को मिलने वाली है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं मूवी का फुल रिव्यू यहाँ पर करूँगा साथ में इस मूवी के बारे में आप सभी को बहुत ही शानदार फैक्ट्स बताने वाला हो जो आपको पसंद ज़रूर आएंगे मूवी की अगर बात करें तो मूवी का नाम तो आप सभी को पता ही है रब ने बना दी जोड़ी मूवी को 2008 के अंदर रिलीज़ किया गया था और मूवी के अंदर आपको रोमांस देखने को मिलता है और मूवी का जो प्लॉट है वो काफ़ी सुंदर है काफ़ी कमाल का है जो आप सभी को पसंद ज़रूर आएगा चलिए हम बात करते हैं कि इस मूवी को हम देखना चाहते हो तो कहाँ पर देखने को मिलेंगी वैसे दोस्तों यशराज की जितनी भी मूवीज़ है वो हमें यूट्यूब पर तो मिल जाती है पर यूट्यूब पर देखने के लिए हमें कुछ पैसे देने पड़ते हैं तो इस मूवी को अगर आपको यूट्यूब पर देखना है तो लगभग आपको सेवेंटी फाइव रुपीज़ देने पड़ेंगे यूट्यूब को फिर आप इस मूवी को देख सकते हैं रेंट पर लेकर इसके अलावा मूवी जो है वो आपको एप्पल टी पर देखने को मिल जाएंगी और बहुत सारे थर्ड पार्टी साइट्स पर अवेलेबल है और टी पर ये मूवी अक्सर आती रहती है तो आप इस मूवी को टी पर भी देख सकते हैं काफ़ी सही मूवी है इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिए आपका दिल खुश हो जाएगा अगर हम बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में तो जो आई है वहाँ पर इस मूवी को टेन आउट ऑफ सेवन की रेटिंग मिली थी इसके अलावा इस मूवी को एट्टी लोगों ने लाइक्स दिया था मूवी को डायरेक्ट किया था आदित्य चोपड़ा ने जो कि एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर रहे थे इन्होंने काफ़ी अच्छी मूवीज़ पहले बनाई थी जो कि लोगों द्वारा काफ़ी पसंद भी की गई थी इनकी हम कुछ मूवीज़ के बारे में बात करें तो इनकी जो दोस्तों मूवीज़ थी वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी अच्छी रही थी तो इन्होंने पहले भी दिल वाले दुनिया ले जाएंगे मोहब्बत बेफिक्रे जैसी मूवीज़ के अंदर जो है वो काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है चलिए बात करते हैं आगे जो है हम इस मूवी के स्टारकास्ट के बारे में तो इस मूवी की वैसे तो मैन का आप सभी लोग जानते ही हो शाहरुख खान अनुष्का शर्मा तो यहाँ पर ये दो मैन काफ्ट है इसके अलावा आपको यहाँ पर प्रीति झिंडा विनय पाठक दीपा सुबासु अलंडी सोजा राजेश जेस विवेन बटेना लारा दत्ता अरजीज घंटी अनुज टिक्कू ईशा कोपीकर एम के रहना रुसोद रहना अनिशा दलाल मनमीत सिंह रिचा पिलोड मार्क सक्तो और भी यहाँ पर ढेर सारे कास्ट इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे जिनकी एक्टिंग काफ़ी कमाल का की है जो आप सभी को पसंद ज़रूर आएंगी तो अगर आप एक बेहद ही शानदार मूवी को देखना चाहते हैं जो फैमिली के साथ देखने लायक हो जिसका क्लाइमेक्स शॉकिंग हो तो इस मूवी को आप देख सकते हैं क्योंकि इस मूवी का क्लाइमैक्स आप सभी को हिला देगा वैसे तो आप सभी लोग जानते ही होगी बट जो मूवी की हीरोइन है वो इन सब के बारे में नहीं जानती होगी जब क्लाइमैक्स आएगा तब उसको मालूम पड़ता है कि ये तो बहुत ही बड़ा स्कैम हुआ मेरे साथ वो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप जब इस मूवी को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे आप सभी लोगों ने एक बात ज़रूर सुनी होगी कि हर इंसान के अंदर दो तरह के लोग होते हैं एक अच्छा एक बुरा तो मूवी की कहानी आप इसी तरह समझ लीजिए मूवी के अंदर जो मैन हीरो है यानी कि जो शाहरुख खान है वो यहाँ पर राज के रोल में है जो अनुष्का है वो यहाँ पर तनी के रोल में है दरअसल जो राज है वो ये पहले तो वो एकदम भैया जी टाइप लुक में घूमता है तनी तानी से मिलता है और उससे मतलब प्यार करता है मतलब वन साइड लव होता है उससे बातें करता रहता है बट वो उसे प्यार नहीं करती है क्योंकि वो देखने में भैया जी टाइप था अच्छा नहीं था और उसका लुक भी कुछ ठीक ठाक नहीं था फिर दूसरे में हमें यह मालूम पड़ता है कि जो राज है वो अच्छे कपड़े पहन के आता है चश्मा लगे के आता है एकदम प्रो बन के आता है फिर यहाँ पर जो ताने है उससे उसको प्यार हो जाता है दोनों पास आते आगे बढ़ते हैं कहानी आगे बढ़ती है फिर राज को मालूम पड़ जाता है कि दरअसल मेरे लुक में ही कमी थी पर राज उसको ये कभी नहीं बताता है कि जो पहला वो जो बंदा है भाई जी टाइप वो मैं ही हूँ अब तानी भी ये बात नहीं जानती थी जैसे कहा कहानी आगे बढ़ती है इन दोनों के बीच में प्यार बढ़ता है फिर वो लुक चेंज होता रहता है कभी वो भया जी बन जाता है कभी अच्छा बन जाता है मतलब प्रो बन जाता है कभी नूब बन जाता है वैसे वो घूमता रहता है पर जब क्लाइमेक्स तक बात आती है तो तानी को भी शौक़ लगता है जब उसको पता चलता है बट इस मूवी से एक बात आपको ज़रूर सीखने को मिलेंगी कि अगर हमारे लुक अच्छा हो तो भाई कुछ भी कभी भी क्या कुछ भी हो सकता है मतलब कि लोग आज भी लुक ही देखते हैं पर्सनैलिटी देखते हैं इंसान अंदर से कितना अच्छा है वो कभी कोई देखता ही नहीं है भाई भले लोग कहते हैं कि लोग आज शक्ल नहीं देखते वही नहीं देखते बट लोग शक्ल ही देखते हैं और अपना लुक देखते हैं पर्सनैलिटी देखते हैं फिर जज करते हैं बाकी वैसे जो पहले बंदा इस मूवी के अंदर दिखाया जाता है शाहरुख खान वो भी दिल का काफ़ी अच्छा होता है तो तब जो तने उससे प्यार उसको प्यार नहीं होता है अब जब बाद में उसको मालूम पड़ भी जाता है तब भी इतना फ़र्क तो नहीं पड़ेगा क्योंकि वो यहाँ पर आपको इस मूवी से बहुत ही बड़ी सीख मिलेंगी तो मूवी को एक बार ज़रूर देखिए अगर आप लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा ना तो आप सभी लोगों ने एक बहुत ही कमाल की मूवी को मिस किया है इस मूवी को एक बार जरूर देखिएगा आपको जब भी टाइम मिले इस मूवी को यूट्यूब पर देखिए रेंट पर लेकर देखिए इस मूवी को मूवी आपका जो सेवेंटी फाइव रुपीज़ है वो ज़रूर वसल हो जाएगा इसके अलावा मूवी जो है वैसे टी टीवी पर आती रहती है तो आप लोग जो है इस मूवी को टी पर भी देख सकते हैं क्योंकि टी पर तो आपको इस मूवी को देखने के लिए शायद कोई पैसे देने नहीं पड़ेंगे तो आप इस मूवी को टी पर भी देख सकते हैं काफ़ी कमाल की मूवी है इस मूवी के अंदर शाहरुख खान ने काफ़ी कमाल की एक्टिंग की है भाई मेरा तो भाई दिल खुश हो गया जब मैंने इस मूवी को देखा था और आपका भी दिल ज़रूर खुश हो जाएगा क्योंकि जो शाहरुख खान है उनकी एक्टिंग काफ़ी सही थी इस मूवी के अंदर बहुत ही कमाल की एक्टिंग यहाँ पर की है इसके अलावा अनुष्का शर्मा ने भी यहाँ पर बहुत ही शानदार एक्टिंग की है दोनों ने यहाँ पर काफ़ी कमाल की एक्टिंग की है आप सभी को जब भी टाइम मिले इस कमाल की मूवी को चेकआउट कीजिए आप इस मूवी को आपकी पूरी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं हाल ही में शाहरुख खान की एक कमाल की मूवी आई थी जिसका नाम था पठान जिसने बहुत से रेकॉर्ड तोड़े जिन लोगों को लग रहा था कि ये मूवी फ्लॉप रही थी इनके लिए बड़ा जवाब था तो आज हम यहाँ पर एक और कमाल की जो मूवी है शाहरुख खान की उसी के बारे में बात करेंगे और ये जो मूवी है वो आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी और दोस्तों अगर यह मूवी आज रिलीज़ होती मतलब 2023 के अंदर इस मूवी को रिलीज़ किया जाता तो क्या ये मूवी ब्लॉकबस्टर रहती बहुत सारी जानकारी इस मूवी के बारे में आपको देने वाला हो साथ में ये मूवी हिंदी के अंदर कहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं मूवी का फुल रिव्यू यहाँ पर करूँगा साथ में इस मूवी के बारे में आप सभी को बहुत ही शानदार फैक्ट्स बताने वाला हो जो आपको पसंद ज़रूर आएंगे मूवी की अगर बात करें तो मूवी का नाम तो आप सभी को पता ही है रब ने बना दी जोड़ी मूवी को 2008 के अंदर रिलीज़ किया गया था और मूवी के अंदर आपको रोमांस देखने को मिलता है और मूवी का जो प्लॉट है वो काफ़ी सुंदर है काफ़ी कमाल का है जो आप सभी को पसंद ज़रूर आएगा चलिए हम बात करते हैं कि इस मूवी को हम देखना चाहते हो तो कहाँ पर देखने को मिलेंगी वैसे दोस्तों यशराज की जितनी भी मूवीज़ है वो हमें यूट्यूब पर तो मिल जाती है पर यूट्यूब पर देखने के लिए हमें कुछ पैसे देने पड़ते हैं तो इस मूवी को अगर आपको यूट्यूब पर देखना है तो लगभग आपको सेवेंटी फाइव रुपीज़ देने पड़ेंगे यूट्यूब को फिर आप इस मूवी को देख सकते हैं रेंट पर लेकर इसके अलावा मूवी जो है वो आपको एप्पल टी पर देखने को मिल जाएंगी और बहुत सारे थर्ड पार्टी साइट्स पर अवेलेबल है और टी पर ये मूवी अक्सर आती रहती है तो आप इस मूवी को टी पर भी देख सकते हैं काफ़ी सही मूवी है इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिए आपका दिल खुश हो जाएगा अगर हम बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में तो जो आई है वहाँ पर इस मूवी को टेन आउट ऑफ सेवन की रेटिंग मिली थी इसके अलावा इस मूवी को एट्टी लोगों ने लाइक्स दिया था मूवी को डायरेक्ट किया था आदित्य चोपड़ा ने जो कि एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर रहे थे इन्होंने काफ़ी अच्छी मूवीज़ पहले बनाई थी जो कि लोगों द्वारा काफ़ी पसंद भी की गई थी इनकी हम कुछ मूवीज़ के बारे में बात करें तो इनकी जो दोस्तों मूवीज़ थी वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी अच्छी रही थी तो इन्होंने पहले भी दिल वाले दुनिया ले जाएंगे मोहब्बत बेफिक्रे जैसी मूवीज़ के अंदर जो है वो काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है चलिए बात करते हैं आगे जो है हम इस मूवी के स्टारकास्ट के बारे में तो इस मूवी की वैसे तो मैन स्टारकाफ्ट आप सभी लोग जानते ही हो शाहरुख खान अनुष्का शर्मा तो यहाँ पर ये दो मैन काफ्ट है इसके अलावा आपको यहाँ पर प्रीति झिंडा विनय पाठक दीपा सुबासु अलंडी सोजा राजेश जेस विवेन बटेना लारा दत्ता अरजीज गंडी अनुज टिक्कू ईशा कोपीकर एम के रहना रुसद रहना अनिशा दलाल मनमीत सिंह ऋचा पिलोड मार्क सकटो और भी यहाँ पर ढेर सारे कास्ट इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे जिनकी एक्टिंग काफ़ी कमाल का की है जो आप सभी को पसंद ज़रूर आएंगी तो अगर आप एक बेहद ही शानदार मूवी को देखना चाहते हैं जो फैमिली के साथ देखने लायक हो जिसका क्लाइमेक्स शॉकिंग हो तो इस मूवी को आप देख सकते हैं क्योंकि इस मूवी का क्लाइमैक्स आप सभी को हिला देगा वैसे तो आप सभी लोग जानते ही होगी बट जो मूवी की हीरोइन है वो इन सब के बारे में नहीं जानती होगी जब क्लाइमैक्स आएगा तब उसको मालूम पड़ता है कि ये तो बहुत ही बड़ा स्कैम हुआ मेरे साथ वो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप जब इस मूवी को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे आप सभी लोगों ने एक बात ज़रूर सुनी होगी कि हर इंसान के अंदर दो तरह के लोग होते हैं एक अच्छा एक बुरा तो मूवी की कहानी आप इसी तरह समझ लीजिए मूवी के अंदर जो मैन हीरो है यानी कि जो शाहरुख खान है वो यहाँ पर राज के रोल में है जो अनुष्का है वो यहाँ पर तनी के रोल में है दरअसल जो राज है वो ये पहले तो वो एकदम भैया जी टाप लुक में घूमता है तनी तानी से मिलता है और उससे मतलब प्यार करता है मतलब वन साइड लव होता है उससे बातें करता रहता है बट वो उसे प्यार नहीं करती है क्योंकि वो देखने में भैया भयाची टाइप था अच्छा नहीं था और उसका लुक भी कुछ ठीक ठाक नहीं था फिर दूसरे सीन में यह मालूम पड़ता है कि जो राज है वो अच्छे कपड़े पहन का था, के आता है चश्मा लगे के आता है एकदम प्रो बन के आता है फिर यहाँ पर जो ताने है उससे उसको प्यार हो जाता है दोनों पास आते आगे बढ़ते हैं कहानी आगे बढ़ते है फिर राज को मालूम पड़ जाता है कि दरअसल मेरे लुक में ही कमी थी पर राज उसको ये कभी नहीं बताता है कि जो पहला वो जो बंदा है भया जी टाइप वो मैं ही हूँ अब तानी भी ये बात नहीं जानती थी जैसे कहाँ कहानी आगे बढ़ती है इन दोनों के बीच में प्यार बढ़ता है फिर वो लुक चेंज होता रहता है कभी वो भया जी बन जाता है कभी अच्छा बन जाता है मतलब प्रो बन जाता है कभी नूब बन जाता है वैसे वो घूमता रहता है पर जब क्लाइमेक्स तक बात आती है तो तानी को भी शौक़ लगता है जब उसको पता चलता है बट इस मूवी से एक बात आपको ज़रूर सीखने को मिलेंगी कि अगर हमारे लुक अच्छा हो तो भाई कुछ भी कभी भी क्या कुछ भी हो सकता है मतलब कि लोग आज भी लुक ही देखते हैं पर्सनैलिटी देखते हैं इंसान अंदर से कितना अच्छा है वो कभी कोई देखता ही नहीं है भाई भले लोग कहते हैं कि लोग आज शक्ल नहीं देखते नहीं देखते बट लोग शक्ल ही देखते हैं और अपना लुक देखते हैं पर्सनैलिटी देखते हैं फिर जज करते हैं बाकी वैसे जो पहले बंदा इस मूवी के अंदर दिखाया जाता है शाहरुख खान वो भी दिल का काफ़ी अच्छा होता है तो तब जो है उससे प्यार उसको प्यार नहीं होता है अब जब बाद में उसको मालूम पड़ भी जाता है तब भी इतना फ़र्क तो नहीं पड़ेगा क्योंकि वो यहाँ पर आपको इस मूवी से बहुत ही बड़ी सीख मिलेंगी तो मूवी को एक बार ज़रूर देखिए अगर आप लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा ना तो आप सभी लोगों ने एक बहुत ही कमाल की मूवी को मिस किया है इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा आपको जब भी टाइम मिले इस मूवी को यूटूब पर देखिए रेंट पर लेकर देखिए इस मूवी को मूवी आपका जो सेवेंटी फाइव रुपीज़ है वो ज़रूर वसूल हो जाएगा इसके अलावा मूवी जो है वैसे टी वी पर आती रहती है तो आप लोग जो है इस मूवी को टी पर भी देख सकते हैं क्योंकि टी पर तो आपको इस मूवी को देखने के लिए शायद कोई पैसे देने नहीं पड़ेंगे तो आप इस मूवी को टी पर भी देख सकते हैं काफ़ी कमाल की मूवी है इस मूवी के अंदर शाहरुख खान ने काफ़ी कमाल की एक्टिंग की है भाई मेरा तो भाई दिल खुश हो गया जब मैंने इस मूवी को देखा था और आपका भी दिल ज़रूर खुश हो जाएगा क्योंकि जो शाहरुख खान है उनकी एक्टिंग काफ़ी सही थी इस मूवी के अंदर बहुत ही कमाल की एक्टिंग यहाँ पर की है इसके अलावा अनुष्का शर्मा ने भी यहाँ पर बहुत ही शानदार एक्टिंग की है दोनों ने यहाँ पर काफ़ी कमाल की एक्टिंग की है आप सभी को जब भी टाइम मिले इस कमाल की मूवी को चेकआउट कीजिए आप इस मूवी को आपकी पूरी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं हाल ही में शाहरुख खान की एक कमाल की मूवी आई थी जिसका नाम था पठान जिसने बहुत से रिकॉर्ड तोड़े जिन लोगों को लग रहा था कि यह मूवी फ्लॉप रही थी इनके लिए बड़ा जवाब था तो आज हम यहाँ पर एक और कमाल की जो मूवी है शाहरुख खान की उसी के बारे में बात करेंगे और ये जो मूवी है वो आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी और दोस्तों अगर यह मूवी आज रिलीज़ होती मतलब 2023 के अंदर इस मूवी को रिलीज़ किया जाता तो क्या यह मूवी ब्लॉकबस्टर रहती बहुत सारी जानकारी इस मूवी के बारे में आपको देने वाला हो साथ में ये मूवी हिंदी के अंदर कहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं मूवी का फुल रिव्यू यहाँ पर करूँगा साथ में इस मूवी के बारे में आप सभी को बहुत ही शानदार फैक्ट्स बताने वाला हो जो आपको पसंद ज़रूर आएंगे मूवी की अगर बात करें तो मूवी का नाम तो आप सभी को पता ही है रब ने बना दी जोड़ी मूवी को 2008 के अंदर रिलीज़ किया गया था और मूवी के अंदर आपको रोमांस देखने को मिलता है और मूवी का जो प्लॉट है वो काफ़ी सुंदर है काफ़ी कमाल का है जो आप सभी को पसंद ज़रूर आएगा चलिए हम बात करते हैं कि इस मूवी को हम देखना चाहते हो तो कहाँ पर देखने को मिलेंगी वैसे दोस्तों यशराज की जितनी भी मूवीज़ है वो हमें यूट्यूब पर तो मिल जाती है पर यूट्यूब पर देखने के लिए हमें कुछ पैसे देने पड़ते हैं तो इस मूवी को अगर आपको यूट्यूब पर देखना है तो लगभग आपको सेवेंटी फाइव रुपीज़ देने पड़ेंगे यूट्यूब को फिर आप इस मूवी को देख सकते हैं रेंट पर लेकर इसके अलावा मूवी जो है वो आपको एप्पल टी पर देखने को मिल जाएंगी और बहुत सारे थर्ड पार्टी साइट्स पर अवेलेबल है और टी पर यह मूवी अक्सर आती रहती है तो आप इस मूवी को टी पर भी देख सकते हैं काफ़ी सही मूवी है इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिए आपका दिल खुश हो जाएगा अगर हम बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में तो जो आई है वहाँ पर इस मूवी को टेन आउट ऑफ सेवन पॉइंट टू की रेटिंग मिली थी इसके अलावा इस मूवी को एट्टी फाइव परसेंट लोगों ने लाइक्स दिया था मूवी को डायरेक्ट किया था आदित्य चोपड़ा ने जो कि एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर रहे थे इन्होंने काफ़ी अच्छी मूवीज़ पहले बनाई थी जो कि लोगों द्वारा काफ़ी पसंद भी की गई थी इनकी हम कुछ मूवीज़ के बारे में बात करें तो इनकी जो दोस्तों मूवीज़ थी वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी अच्छी रही थी तो इन्होंने पहले भी दिल वाले धुनिया ले जाएंगे मोहब्बत बेफिक्रे जैसी मूवीज़ के अंदर जो है वो काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है चलिए बात करते हैं आगे जो है हम इस मूवी के स्टारकास्ट के बारे में तो इस मूवी की वैसे तो मैन स्टारकाफ्ट आप सभी लोग जानते ही हो शाहरुख खान अनुष्का शर्मा तो यहाँ पर ये दो मैन काफ्ट है इसके अलावा आपको यहाँ पर प्रीति झिंदा विनय पाठक दीपा सुबासु अलंडी सोजा राजेश जेस विवन बटेना लारा दत्ता अरजीज गंडी अनुज टिक्कू ई ईशा कोपीकर एम के रहना रुसद रहना अनिशा दलाल मनमीत सिंह ऋचा पिलोड मार्क सकटो और भी यहाँ पर ढेर सारे कास्ट इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे जिनकी एक्टिंग काफ़ी कमाल का की है जो आप सभी को पसंद ज़रूर आएंगी तो अगर आप एक बेहद ही शानदार मूवी को देखना चाहते हैं जो फैमिली के साथ देखने लायक हो जिसका क्लाइमेक्स शॉकिंग हो तो इस मूवी को आप देख सकते हैं क्योंकि इस मूवी का क्लाइमैक्स आप सभी को हिला देगा वैसे तो आप सभी लोग जानते ही हो बट जो मूवी की हीरोइन है वो इन सब के बारे में नहीं जानती होगी जब क्लाइमैक्स आएगा तब उसको मालूम पड़ता है कि ये तो बहुत ही बड़ा स्कैम हुआ मेरे साथ वो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप जब इस मूवी को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे आप सभी लोगों ने एक बात ज़रूर सुनी होगी कि हर इंसान के अंदर दो तरह के लोग होते हैं एक अच्छा एक बुरा तो मूवी की कहानी आप इसी तरह समझ लीजिए मूवी के अंदर जो मैन हीरो है यानी कि जो शाहरुख खान है वो यहाँ पर राज के रोल में है जो अनुष्का है वो यहाँ पर तनी के रोल में है दरअसल जो राज है वो ये पहले तो वो एकदम भैया जी टाप लुक में घूमता है तनी तानी से मिलता है और उससे मतलब प्यार करता है मतलब वन साइड लव होता है उससे बातें करता रहता है बट वो उसे प्यार नहीं करती है क्योंकि वो देखने में भयाची टाइप था अच्छा नहीं था और उसका लुक भी कुछ ठीक ठाक नहीं था फिर दूसरे सीन में यह मालूम पड़ता है कि जो राज है वो अच्छे कपड़े पहन के आता है चश्मा लगे के आता है एकदम प्रो बन के आता है फिर यहाँ पर जो ताने है उससे उसको प्यार हो जाता है दोनों पास आते आगे बढ़ते हैं कहानी आगे बढ़ते है फिर राज को मालूम पड़ जाता है कि दरअसल मेरे लुक में ही कमी थी पर राज उसको ये कभी नहीं बताता है कि जो पहला वो जो बंदा है भाई जी टाइप वो मैं ही हूँ अब तानी भी ये बात नहीं जानती थी जैसे कहाँ कहानी आगे बढ़ती है इन दोनों के बीच में प्यार बढ़ता है फिर वो लुक चेंज होता रहता है कभी वो भैया जी बन जाता है कभी अच्छा बन जाता है मतलब प्रो बन जाता है कभी नूब बन जाता है वैसे वो घूमता रहता है पर जब क्लाइमेक्स तक बात आती है तो तानी को भी शौक़ लगता है जब उसको पता चलता है बट इस मूवी से एक बात आपको ज़रूर सीखने को मिलेंगी कि अगर हमारे लुक अच्छा हो तो भाई कुछ भी कभी भी क्या कुछ भी हो सकता है मतलब कि लोग आज भी लुक ही देखते हैं पर्सनैलिटी देखते हैं इंसान अंदर से कितना अच्छा है वो कभी कोई देखता ही नहीं है भाई भले लोग कहते हैं कि लोग आज शक्ल नहीं देखते नहीं देखते बट लोग शकल ही देखते हैं और अपना लुक देखते हैं पर्सनलिटी देखते हैं फिर जज करते हैं बाकी वैसे जो पहले बंदा इस मूवी के अंदर दिखाया जाता है शाहरुख खान वो भी दिल का काफ़ी अच्छा होता है तो तब जो तने उससे प्यार उसको प्यार नहीं होता है अब जब बाद में उसको मालूम पड़ भी जाता है तब भी इतना फ़र्क तो नहीं पड़ेगा क्योंकि वो यहाँ पर आपको इस मूवी से बहुत ही बड़ी सीख मिलेंगी तो मूवी को एक बार ज़रूर देखिए अगर आप लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा ना तो आप सभी लोगों ने एक बहुत ही कमाल की मूवी को मिस किया है इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा आपको जब भी टाइम मिले इस मूवी को यूट्यूब पर देखिए रेंट पर लेकर देखिए इस मूवी को मूवी आपका जो सेवेंटी फाइव रुपीज़ है वो ज़रूर वसूल हो जाएगा इसके अलावा मूवी जो है वैसे टी वी पर आती रहती है तो आप लोग जो है इस मूवी को टी वी पर भी देख सकते हैं क्योंकि टी वी पर तो आपको इस मूवी को देखने के लिए शायद कोई पैसे देने नहीं पड़ेंगे तो आप इस मूवी को टी वी पर भी देख सकते हैं काफ़ी कमाल की मूवी है इस मूवी के अंदर शाहरुख खान ने काफ़ी कमाल की एक्टिंग की है भाई मेरा तो भाई दिल खुश हो गया जब मैंने इस मूवी को देखा था और आपका भी दिल ज़रूर खुश हो जाएगा क्योंकि जो शाहरुख खान है उनकी एक्टिंग काफ़ी सही थी इस मूवी के अंदर बहुत ही कमाल की एक्टिंग यहाँ पर की है इसके अलावा अनुष्का शर्मा ने भी यहाँ पर बहुत ही शानदार एक्टिंग की है दोनों ने यहाँ पर काफ़ी कमाल की एक्टिंग की है आप सभी को जब भी टाइम मिले इस कमाल की मूवी को चेकआउट कीजिए आप इस मूवी को आपकी पूरी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं हाल ही में शाहरुख खान की एक कमाल की मूवी आई थी जिसका नाम था पठान जिसने बहुत से रिकॉर्ड तोड़े जिन लोगों को लग रहा था कि यह मूवी फ्लॉप रही थी इनके लिए बड़ा जवाब था तो आज हम यहाँ पर एक और कमाल की जो मूवी है शाहरुख खान की उसी के बारे में बात करेंगे और ये जो मूवी है वो आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी और दोस्तों अगर ये मूवी आज रिलीज़ होती मतलब 2023 के अंदर इस मूवी को रिलीज़ किया जाता तो क्या यह मूवी ब्लॉकबस्टर रहती बहुत सारी जानकारी इस मूवी के बारे में आपको देने वाला हो साथ में ये मूवी हिंदी के अंदर कहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं मूवी का फुल रिव्यू यहाँ पर करूँगा साथ में इस मूवी के बारे में आप सभी को बहुत ही शानदार फैक्ट्स बताने वाला हो जो आपको पसंद ज़रूर आएंगे मूवी की अगर बात करें तो मूवी का नाम तो आप सभी को पता ही है रब ने बना दी जोड़ी मूवी को 2008 के अंदर रिलीज़ किया गया था और मूवी के अंदर आपको रोमांस देखने को मिलता है और मूवी का जो प्लॉट है वो काफ़ी सुंदर है काफ़ी कमाल का है जो आप सभी को पसंद ज़रूर आएगा चलिए हम बात करते हैं कि इस मूवी को हम देखना चाहते हो तो कहाँ पर देखने को मिलेंगी वैसे दोस्तों यशराज की जितनी भी मूवीज़ है वो हमें यूट्यूब पर तो मिल जाती है पर यूट्यूब पर देखने के लिए हमें कुछ पैसे देने पड़ते हैं तो इस मूवी को अगर आपको यूट्यूब पर देखना है तो लगभग आपको सेवेंटी फाइव रुपीज़ देने पड़ेंगे यूट्यूब को फिर आप इस मूवी को देख सकते हैं रेंट पर लेकर इसके अलावा मूवी जो है वो आपको एप्पल टी पर देखने को मिल जाएंगी और बहुत सारे थर्ड पार्टी साइट्स पर अवेलेबल है और टी पर यह मूवी अक्सर आती रहती है तो आप इस मूवी को टी पर भी देख सकते हैं काफ़ी सही मूवी है इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिए आपका दिल खुश हो जाएगा अगर हम बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में तो जो आई है वहाँ पर इस मूवी को टेन आउट ऑफ सेवन की रेटिंग मिली थी इसके अलावा इस मूवी को एट्टी लोगों ने लाइक्स दिया था मूवी को डायरेक्ट किया था आदित्य चोपड़ा ने जो कि एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर रहे थे इन्होंने काफ़ी अच्छी मूवीज़ पहले बनाई थी जो कि लोगों द्वारा काफ़ी पसंद भी की गई थी इनकी हम कुछ मूवीज़ के बारे में बात करें तो इनकी जो दोस्तों मूवीज़ थी वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी अच्छी रही थी तो इन्होंने पहले भी दिल वाले धुनिया ले जाएंगे मोहब्बत बेफिक्रे जैसी मूवीज़ के अंदर जो है वो काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है चलिए बात करते हैं आगे जो है हम इस मूवी के स्टारकास्ट के बारे में तो इस मूवी की वैसे तो मैन स्टारकाफ्ट आप सभी लोग जानते ही हो शाहरुख खान अनुष्का शर्मा तो यहाँ पर ये दो मैन काफ्ट है इसके अलावा आपको यहाँ पर प्रीति झिंडा विनय पाठक दीपा सुबासु अलंडी सोजा राजेश जेस विवन भटेना लारा दत्ता अरजीज गंडी अनुज टिक्कू ईशा कोपीकर एम के रहना रुसद रहना अनिशा दलाल मनमीत सिंह रिचा पिलोड मार्क सकटो और भी यहाँ पर ढेर सारे कास्ट इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे जिनकी एक्टिंग काफ़ी कमाल का की है जो आप सभी को पसंद ज़रूर आएंगी तो अगर आप एक बेहद ही शानदार मूवी को देखना चाहते हैं जो फैमिली के साथ देखने लायक हो जिसका क्लाइमैक्स शॉकिंग हो तो इस मूवी को आप देख सकते हैं क्योंकि इस मूवी का क्लाइमैक्स आप सभी को हिला देगा वैसे तो आप सभी लोग जानते होंगे बट जो मूवी की हीरोइन है वो इन सब के बारे में नहीं जानती होगी जब क्लाइमैक्स आएगा तब उसको मालूम पड़ता है कि ये तो बहुत ही बड़ा स्कैम हुआ मेरे साथ वो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप जब इस मूवी को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे आप सभी लोगों ने एक बात ज़रूर सुनी होगी कि हर इंसान के अंदर दो तरह के लोग होते हैं एक अच्छा एक बुरा तो मूवी की कहानी आप इसी तरह समझ लीजिए मूवी के अंदर जो मैन हीरो है यानी कि जो शाहरुख खान है वो यहाँ पर राज के रोल में है जो अनुष्का है वो यहाँ पर तनी के रोल में है दरअसल जो राज है वो पहले तो वो एकदम भैया जी टाप लुक में घूमता है तनी तानी से मिलता है और उससे मतलब प्यार करता है मतलब वन साइड लव होता है उससे बातें करता रहता है बट वो उससे प्यार नहीं करती है क्योंकि वो देखने में भैया जी टाइप था अच्छा नहीं था और उसका लुक भी कुछ ठीक ठाक नहीं था फिर दूसरे सीन में यह मालूम पड़ता है कि जो राज है वो अच्छे कपड़े पहन के आता है चश्मा लगे के आता है एकदम प्रो बन के आता है फिर यहाँ पर जो ताने है उससे उसको प्यार हो जाता है दोनों पास आते आगे बढ़ते हैं कहानी आगे बढ़ती है फिर राज को मालूम पड़ जाता है कि दरअसल मेरे लुक में ही कमी थी पर राज उसको ये कभी नहीं बताता है कि जो पहला वो जो बंदा है भया जी टाइप वो मैं ही हूँ अब ताणी भी ये बात नहीं जानती थी जैसे कहा कहानी आगे बढ़ती है इन दोनों के बीच में प्यार बढ़ता है फिर वो लुक चेंज होता रहता है कभी वो भया जी बन जाता है कभी अच्छा बन जाता है मतलब प्रो बन जाता है कभी नूब बन जाता है वैसे वो घूमता रहता है पर जब क्लाइमेक्स तक बात आती है तो तानी को भी शौक़ लगता है जब उसको पता चलता है बट इस मूवी से एक बात आपको जरूर सीखने को मिलेंगी कि अगर हमारे लुक अच्छा है तो भाई कुछ भी कभी भी क्या कुछ भी हो सकता है मतलब कि लोग आज भी लुक ही देखते हैं पर्सनैलिटी देखते हैं इंसान अंदर से कितना अच्छा है वो कभी कोई देखता ही नहीं है भाई भले लोग कहते हैं कि लोग आज शक्ल नहीं देखते नहीं देखते बट लोग शक्ल ही देखते हैं और अपना लुक देखते हैं पर्सनैलिटी देखते हैं फिर जज करते हैं बाकी वैसे जो पहले बंदा इस मूवी के अंदर दिखाया जाता है शाहरुख खान वो भी दिल का काफ़ी अच्छा होता है तो तब जो तने उससे प्यार उसको प्यार नहीं होता है अब जब बाद में उसको मालूम पड़ भी जाता है तब भी इतना फ़र्क तो नहीं पड़ेगा क्योंकि वो यहाँ पर आपको इस मूवी से बहुत ही बड़ी सीख मिलेंगी तो मूवी को एक बार ज़रूर देखिए अगर आप लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा ना तो आप सभी लोगों ने एक बहुत ही कमाल की मूवी को मिस किया है इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा आपको जब भी टाइम मिले इस मूवी को यूट्यूब पर देखिए रेंट पर लेकर देखिए इस मूवी को मूवी आपका जो सेवेंटी फाइव रुपीज़ है वो ज़रूर वसूल हो जाएगा इसके अलावा मूवी जो है वैसे टी वी पर आती रहती है तो आप लोग जो है इस मूवी को टी वी पर भी देख सकते हैं क्योंकि टी वी पर तो आपको इस मूवी को देखने के लिए शायद कोई पैसे देने नहीं पड़ेंगे तो आप इस मूवी को टी वी पर भी देख सकते हैं काफ़ी कमाल की मूवी है इस मूवी के अंदर शाहरुख खान ने काफ़ी कमाल की एक्टिंग की है भाई मेरा तो भाई दिल खुश हो गया जब मैंने इस मूवी को देखा था और आपका भी दिल ज़रूर खुश हो जाएगा क्योंकि जो शाहरुख खान है उनकी एक्टिंग काफ़ी सही थी इस मूवी के अंदर बहुत ही कमाल की एक्टिंग यहाँ पर की है इसके अलावा अनुष्का शर्मा ने भी यहाँ पर बहुत ही शानदार एक्टिंग की है दोनों ने यहाँ पर काफ़ी कमाल की एक्टिंग की है आप सभी को जब भी टाइम मिले इस कमाल की मूवी को चेकआउट कीजिए आप इस मूवी को आपकी पूरी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं हाल ही में शाहरुख खान की एक कमाल की मूवी आई थी जिसका नाम था पठान जिसने बहुत से रिकॉर्ड तोड़े जिन लोगों को लग रहा था कि ये मूवी फ्लॉप रही थी इनके लिए बड़ा जवाब था तो आज हम यहाँ पर एक और कमाल की जो मूवी है शाहरुख खान की उसी के बारे में बात करेंगे और ये जो मूवी है वो आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी और दोस्तों अगर ये मूवी आज रिलीज़ होती मतलब 2023 के अंदर इस मूवी को रिलीज़ किया जाता तो क्या ये मूवी ब्लॉकबस्टर रहती बहुत सारी जानकारी इस मूवी के बारे में आपको देने वाला हो साथ में ये मूवी हिंदी के अंदर कहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं मूवी का फुल रिव्यू यहाँ पर करूँगा साथ में इस मूवी के बारे में आप सभी को बहुत ही शानदार फैक्ट्स बताने वाला हो जो आपको पसंद ज़रूर आएंगे मूवी की अगर बात करें तो मूवी का नाम तो आप सभी को पता ही है रब ने बना दी जोड़ी मूवी को 2008 के अंदर रिलीज़ किया गया था और मूवी के अंदर आपको रोमांस देखने को मिलता है और मूवी का जो प्लॉट है वो काफ़ी सुंदर है काफ़ी कमाल का है जो आप सभी को पसंद ज़रूर आएगा चलिए हम बात करते हैं कि इस मूवी को हम देखना चाहते हो तो कहाँ पर देखने को मिलेंगी वैसे दोस्तों यशराज की जितनी भी मूवीज़ है वो हमें यूट्यूब पर तो मिल जाती है पर यूट्यूब पर देखने के लिए हमें कुछ पैसे देने पड़ते हैं तो इस मूवी को अगर आपको यूट्यूब पर देखना है तो लगभग आपको सेवेंटी फाइव रुपीज़ देने पड़ेंगे यूट्यूब को फिर आप इस मूवी को देख सकते हैं रेंट पर लेकर इसके अलावा मूवी जो है वो आपको एप्पल टी पर देखने को मिल जाएंगी और बहुत सारे थर्ड पार्टी साइट्स पर अवेलेबल है और टी पर यह मूवी अक्सर आती रहती है तो आप इस मूवी को टी पर भी देख सकते हैं काफ़ी सही मूवी है इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिए आपका दिल खुश हो जाएगा अगर हम बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में तो जो आई है वहाँ पर इस मूवी को टेन आउट ऑफ सेवन पॉइंट टू की रेटिंग मिली थी इसके अलावा इस मूवी को एट्टी फाइव परसेंट लोगों ने लाइक्स दिया था मूवी को डायरेक्ट किया था आदित्य चोपड़ा ने जो कि एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर रहे थे इन्होंने काफ़ी अच्छी मूवीज़ पहले बनाई थी जो कि लोगों द्वारा काफ़ी पसंद भी की गई थी इनकी हम कुछ मूवीज़ के बारे में बात करें तो इनकी जो दोस्तों मूवीज़ थी वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी अच्छी रही थी तो इन्होंने पहले भी दिल वाले दुनिया ले जाएंगे मोहब्बत बेफिक्रे जैसी मूवीज़ के अंदर जो है वो काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है चलिए बात करते हैं आगे जो है हम इस मूवी के स्टारकास्ट के बारे में तो इस मूवी की वैसे तो मैन स्टारकाफ्ट आप सभी लोग जानते ही हो शाहरुख खान अनुष्का शर्मा तो यहाँ पर ये दो मैन काफ्ट है। इसके अलावा आपको यहाँ पर प्रीति झिंडा विनय पाठक दीपा सुबासु अलंडी सोजा राजेश जेस विभन बटेना लारा दत्ता अरजीज घंटी अनुज टिक्कू ईशा कोपीकर एम के रहना रुसोद रहना अनिशा दलाल मनमीत सिंह रिचा पिलोड मार्क सक्टो और भी यहाँ पर ढेर सारे कास्ट इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे जिनकी एक्टिंग काफ़ी कमाल का की है जो आप सभी को पसंद ज़रूर आएंगी तो अगर आप एक बेहद ही शानदार मूवी को देखना चाहते हैं जो फैमिली के साथ देखने लायक हो जिसका क्लाइमेक्स शॉकिंग हो तो इस मूवी को आप देख सकते हैं क्योंकि इस मूवी का क्लाइमैक्स आप सभी को हिला देगा वैसे तो आप सभी लोग जानते हो गए बट जो मूवी की हीरोइन है वो इन सब के बारे में नहीं जानती होगी जब क्लाइमैक्स आएगा तब उसको मालूम पड़ता है कि ये तो बहुत ही बड़ा स्कैम हुआ मेरे साथ वो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप जब इस मूवी को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे आप सभी लोगों ने एक बात ज़रूर सुनी होगी कि हर इंसान के अंदर दो तरह के लोग होते हैं एक अच्छा एक बुरा तो मूवी की कहानी आप इसी तरह समझ लीजिए मूवी के अंदर जो जैन हीरो है यानी कि जो शाहरुख खान है वो यहाँ पर राज के रोल में है जो अनुष्का है वो यहाँ पर तनी के रोल में है दरअसल जो राज है वो पहले तो वो एकदम भैया जी टाप लुक में घूमता है तनी तानी से मिलता है और उससे मतलब प्यार करता है मतलब वन साइड लव होता है उससे बातें करता रहता है बट वो उससे प्यार नहीं करती है क्योंकि वो देखने में भैया जी टाइप था अच्छा नहीं था और उसका लुक भी कुछ ठीक ठाक नहीं था फिर दूसरे सीन में यह मालूम पड़ता है कि जो राज है वो अच्छे कपड़े पहन के आता है चश्मा लगे के आता है एकदम प्रो बन के आता है फिर यहाँ पर जो ताने है उससे उसको प्यार हो जाता है दोनों पास आते हैं आगे बढ़ते हैं कहानी आगे बढ़ती है फिर राज को मालूम पड़ जाता है कि दरअसल मेरे लुक में ही कमी थी पर राज उसको ये कभी नहीं बताता है कि जो पहला वो जो बंदा है भया जी टाइप वो मैं ही हूँ अब तानी भी ये बात नहीं जानती थी जैसे कहा कहानी आगे बढ़ती है इन दोनों के बीच में प्यार बढ़ता है फिर वो लुक चेंज होता रहता है कभी वो भया जी बन जाता है कभी अच्छा बन जाता है मतलब प्रो बन जाता है कभी नूब बन जाता है वैसे वो घूमता रहता है पर जब क्लाइमेक्स तक बात आती है तो तानी को भी शौक़ लगता है जब उसको पता चलता है बट इस मूवी से एक बात आपको जरूर सीखने को मिलेंगी कि अगर हमारे लुक अच्छा हो तो भाई कुछ भी कभी भी क्या कुछ भी हो सकता है मतलब कि लोग आज भी लुक ही देखते हैं पर्सनैलिटी देखते हैं इंसान अंदर से कितना अच्छा है वो कभी कोई देखता ही नहीं है भाई भले लोग कहते हैं कि लोग आज शक्ल नहीं देखते वही नहीं देखते बट लोग शक्ल ही देखते हैं और अपना लुक देखते हैं पर्सनैलिटी देखते हैं फिर जज करते हैं बाकी वैसे जो पहले बंदा इस मूवी के अंदर दिखाया जाता है शाहरुख खान वो भी दिल का काफ़ी अच्छा होता है तो तब जो तने उससे प्यार उसको प्यार नहीं होता है अब जब बाद में उसका मालूम पड़ भी जाता है तब भी इतना फ़र्क तो नहीं पड़ेगा क्योंकि वो यहाँ पर आपको इस मूवी से बहुत ही बड़ी सीख मिलेंगी तो मूवी को एक बार ज़रूर देखिए अगर आप लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा ना तो आप सभी लोगों ने एक बहुत ही कमाल की मूवी को मिस किया है इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा आपको जब भी टाइम मिले इस मूवी को यूट्यूब पर देखिए रेंट पर लेकर देखिए इस मूवी को मूवी आपका जो सेवेंटी फाइव रुपीज़ है वो ज़रूर वसूल हो जाएगा इसके अलावा मूवी जो है वैसे टी वी पर आती रहती है तो आप लोग जो है इस मूवी को टी पर भी देख सकते हैं क्योंकि टी पर तो आपको इस मूवी को देखने के लिए शायद कोई पैसे देने नहीं पड़ेंगे तो आप इस मूवी को टी पर भी देख सकते हैं काफ़ी कमाल की मूवी है इस मूवी के अंदर शाहरुख खान ने काफ़ी कमाल की एक्टिंग की है भाई मेरा तो भाई दिल खुश हो गया जब मैंने इस मूवी को देखा था और आपका भी दिल ज़रूर खुश हो जाएगा क्योंकि जो शाहरुख खान है उनकी एक्टिंग काफ़ी सही थी इस मूवी के अंदर बहुत ही कमाल की एक्टिंग यहाँ पर की है इसके अलावा अनुष्का शर्मा ने भी यहाँ पर बहुत ही शानदार एक्टिंग की है दोनों ने यहाँ पर काफ़ी कमाल की एक्टिंग की है आप सभी को जब भी टाइम मिले इस कमाल की मूवी को चेकआउट कीजिए आप इस मूवी को आपकी पूरी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं हाल ही में शाहरुख खान की एक कमाल की मूवी आई थी जिसका नाम था पठान जिसने बहुत से रिकॉर्ड तोड़े जिन लोगों को लग रहा था कि ये मूवी फ्लॉप रही थी इनके लिए बड़ा जवाब था तो आज हम यहाँ पर एक और कमाल की जो मूवी है शाहरुख खान की उसी के बारे में बात करेंगे और ये जो मूवी है वो आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी और दोस्तों अगर ये मूवी आज रिलीज़ होती मतलब 2023 के अंदर इस मूवी को रिलीज़ किया जाता तो क्या ये मूवी ब्लॉकबस्टर रहती बहुत सारी जानकारी इस मूवी के बारे में आपको देने वाला हो साथ में ये मूवी हिंदी के अंदर कहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं मूवी का फुल रिव्यू यहाँ पर करूँगा साथ में इस मूवी के बारे में आप सभी को बहुत ही शानदार फैक्ट्स बताने वाला हो जो आपको पसंद ज़रूर आएंगे मूवी की अगर बात करें तो मूवी का नाम तो आप सभी को पता ही है रब ने बना दी जोड़ी मूवी को 2008 के अंदर रिलीज़ किया गया था और मूवी के अंदर आपको रोमांस देखने को मिलता है और मूवी का जो प्लॉट है वो काफ़ी सुंदर है काफ़ी कमाल का है जो आप सभी को पसंद ज़रूर आएगा चलिए हम बात करते हैं कि इस मूवी को हम देखना चाहते हो तो कहाँ पर देखने को मिलेंगी वैसे दोस्तों यशराज की जितनी भी मूवीज़ है वो हमें यूट्यूब पर तो मिल जाती है पर यूट्यूब पर देखने के लिए हमें कुछ पैसे देने पड़ते हैं तो इस मूवी को अगर आपको यूट्यूब पर देखना है तो लगभग आपको सेवेंटी फाइव रुपीज़ देने पड़ेंगे यूट्यूब को फिर आप इस मूवी को देख सकते हैं रेंट पर लेकर इसके अलावा मूवी जो है वो आपको एप्पल टी पर देखने को मिल जाएंगी और बहुत सारे थर्ड पार्टी साइट्स पर अवेलेबल है और टी पर ये मूवी अक्सर आती रहती है तो आप इस मूवी को टी पर भी देख सकते हैं काफ़ी सही मूवी है इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिए आपका दिल खुश हो जाएगा अगर हम बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में तो जो आई है वहाँ पर इस मूवी को टेन आउट ऑफ सेवन की रेटिंग मिली थी इसके अलावा इस मूवी को एट्टी लोगों ने लाइक्स दिया था मूवी को डायरेक्ट किया था आदित्य चोपड़ा ने जो कि एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर रहे थे इन्होंने काफ़ी अच्छी मूवीज़ पहले बनाई थी जो कि लोगों द्वारा काफ़ी पसंद भी की गई थी इनकी हम कुछ मूवीज़ के बारे में बात करें तो इनकी जो दोस्तों मूवीज़ थी वो बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छी रही थी तो इन्होंने पहले भी दिल वाले धुनिया ले जाएंगे मोहब्बत बेफिक्रे जैसी मूवीज़ के अंदर जो है वो काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है चलिए बात करते हैं आगे जो है हम इस मूवी के स्टारकास्ट के बारे में तो इस मूवी की वैसे तो मैन स्टारकाफ्ट आप सभी लोग जानते ही हो शाहरुख खान अनुष्का शर्मा तो यहाँ पर ये दो मैन काफ्ट है इसके अलावा आपको यहाँ पर प्रीति झिंडा विनय पाठक दिपा सुबासु अलंडी सोजा राजेश जेस विवेन बटेना लारा दत्ता अरजीज गंडी अनुज टिक्कू ईशा कोपीकर एम के रहना रुसद रहना अनिशा दलाल मनमीत सिंह ऋचा पिलोड मार्क सकटो और भी यहाँ पर ढेर सारे कास्ट इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे जिनकी एक्टिंग काफ़ी कमाल का की है जो आप सभी को पसंद ज़रूर आएंगी तो अगर आप एक बेहद ही शानदार मूवी को देखना चाहते हैं जो फैमिली के साथ देखने लायक हो जिसका क्लाइमेक्स शॉकिंग हो तो इस मूवी को आप देख सकते हैं क्योंकि इस मूवी का क्लाइमैक्स आप सभी को हिला देगा वैसे तो आप सभी लोग जानते ही होगी बट जो मूवी की हीरोइन है वो इन सब के बारे में नहीं जानती होगी जब क्लाइमैक्स आएगा तब उसको मालूम पड़ता है कि ये तो बहुत ही बड़ा स्कैम हुआ मेरे साथ वो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप जब इस मूवी को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे आप सभी लोगों ने एक बात ज़रूर सुनी होगी कि हर इंसान के अंदर दो तरह के लोग होते हैं एक अच्छा एक बुरा तो मूवी की कहानी आप इसी तरह समझ लीजिए मूवी के अंदर जो मैन हीरो है यानी कि जो शाहरुख खान है वो यहाँ पर राज के रोल में है जो अनुष्का है वो यहाँ पर तनी के रोल में है दरअसल जो राज है वो ये पहले तो वो एकदम भैया जी टाप लुक में घूमता है तनी तानी से मिलता है और उससे मतलब प्यार करता है मतलब वन साइड लव होता है उससे बातें करता रहता है बट वो उसे प्यार नहीं करती है क्योंकि वो देखने में भैया जी टाइप था अच्छा नहीं था और उसका लुक भी कुछ ठीक ठाक नहीं था फिर दूसरे सीन में हमें यह मालूम पड़ता है कि जो राज है वो अच्छे कपड़े पहन के आता है चश्मा लगे के आता है एकदम प्रो बन के आता है फिर यहाँ पर जो ताने है उससे उसको प्यार हो जाता है दोनों पास आते आगे बढ़ते हैं कहानी आगे बढ़ते हैं फिर राज को मालूम पड़ जाता है कि दरअसल मेरे लुक में ही कमी थी पर राज उसको ये कभी नहीं बताता है कि जो पहला वो जो बंदा है भाई जी टाइप वो मैं ही हूँ अब तानी भी ये बात नहीं जानती थी जैसे कहा कहानी आगे बढ़ती है इन दोनों के बीच में प्यार बढ़ता है फिर वो लुक चेंज होता रहता है कभी वो भया जी बन जाता है कभी अच्छा बन जाता है मतलब प्रो बन जाता है कभी नूब बन जाता है वैसे वो घूमता रहता है पर जब क्लाइमेक्स तक बात आती है तो तानी को भी शौक़ लगता है जब उसको पता चलता है बट इस मूवी से एक बात आपको ज़रूर सीखने को मिलेंगी कि अगर हमारे लुक अच्छा हो तो भाई कुछ भी कभी भी क्या कुछ भी हो सकता है मतलब कि लोग आज भी लुक ही देखते हैं पर्सनैलिटी देखते हैं इंसान अंदर से कितना अच्छा है वो कभी कोई देखता ही नहीं है भाई भले लोग कहते हैं कि लोग आज शक्ल नहीं देखते नहीं देखते बट लोग शक्ल ही देखते हैं और अपना लुक देखते हैं पर्सनैलिटी देखते हैं फिर जज करते हैं बाकी वैसे जो पहले बंदा इस मूवी के अंदर दिखाया जाता है शाहरुख खान वो भी दिल का काफ़ी अच्छा होता है तो तब जो तने उससे प्यार उसको प्यार नहीं होता है अब जब बाद में उसका मालूम पड़ भी जाता है तब भी इतना फ़र्क तो नहीं पड़ेगा क्योंकि वो यहाँ पर आपको इस मूवी से बहुत ही बड़ी सीख मिलेंगी तो मूवी को एक बार ज़रूर देखिए अगर आप लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा ना तो आप सभी लोगों ने एक बहुत ही कमाल की मूवी को मिस किया है इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा आपको जब भी टाइम मिले इस मूवी को यूट्यूब पर देखिए रेंट पर लेकर देखिए इस मूवी को मूवी आपका जो सेवेंटी फाइव रुपीज़ है वो ज़रूर वसल हो जाएगा इसके अलावा मूवी जो है वैसे टी पर आती रहती है तो आप लोग जो है इस मूवी को टी पर भी देख सकते हैं क्योंकि टी पर तो आपको इस मूवी को देखने के लिए शायद कोई पैसे देने नहीं पड़ेंगे तो आप इस मूवी को टी पर भी देख सकते हैं काफ़ी कमाल की मूवी है इस मूवी के अंदर शाहरुख खान ने काफ़ी कमाल की एक्टिंग की है भाई मेरा तो भाई दिल खुश हो गया जब मैंने इस मूवी को देखा था और आपका भी दिल ज़रूर खुश हो जाएगा क्योंकि जो शाहरुख खान है उनकी एक्टिंग काफ़ी सही थी इस मूवी के अंदर बहुत ही कमाल की एक्टिंग यहाँ पर की है इसके अलावा अनुष्का शर्मा ने भी यहाँ पर बहुत ही शानदार एक्टिंग की है दोनों ने यहाँ पर काफ़ी कमाल की एक्टिंग की है आप सभी को जब भी टाइम मिले इस कमाल की मूवी को चेकआउट कीजिए आप इस मूवी को आपकी पूरी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं हाल ही में शाहरुख खान की एक कमाल की मूवी आई थी जिसका नाम था पठान जिसने बहुत से रिकॉर्ड तोड़े जिन लोगों को लग रहा था कि यह मूवी फ्लॉप रही थी इनके लिए बड़ा जवाब था तो आज हम यहाँ पर एक और कमाल की जो मूवी है शाहरुख खान की उसी के बारे में बात करेंगे और ये जो मूवी है वो आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी और दोस्तों अगर यह मूवी आज रिलीज़ होती मतलब 2023 के अंदर इस मूवी को रिलीज़ किया जाता तो क्या यह मूवी ब्लॉकबस्टर रहती बहुत सारी जानकारी इस मूवी के बारे में आपको देने वाला हो साथ में ये मूवी हिंदी के अंदर कहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं मूवी का फुल रिव्यू यहाँ पर करूँगा साथ में इस मूवी के बारे में आप सभी को बहुत ही शानदार फैक्ट्स बताने वाला हो जो आपको पसंद ज़रूर आएंगे मूवी की अगर बात करें तो मूवी का नाम तो आप सभी को पता ही है रब ने बना दी जोड़ी मूवी को 2008 के अंदर रिलीज़ किया गया था और मूवी के अंदर आपको रोमांस देखने को मिलता है और मूवी का जो प्लॉट है वो काफ़ी सुंदर है काफ़ी कमाल का है जो आप सभी को पसंद ज़रूर आएगा चलिए हम बात करते हैं कि इस मूवी को हम देखना चाहते हो तो कहाँ पर देखने को मिलेंगी वैसे दोस्तों यशराज की जितनी भी मूवीज़ है वो हमें यूट्यूब पर तो मिल जाती है पर यूट्यूब पर देखने के लिए हमें कुछ पैसे देने पड़ते हैं तो इस मूवी को अगर आपको यूट्यूब पर देखना है तो लगभग आपको सेवनटी फाइव रुपीज़ देने पड़ेंगे यूट्यूब को फिर आप इस मूवी को देख सकते हैं रेंट पर लेकर इसके अलावा मूवी जो है वो आपको एप्पल टी पर देखने को मिल जाएंगी और बहुत सारे थर्ड पार्टी साइट्स पर अवेलेबल है और टी पर यह मूवी अक्सर आती रहती है तो आप इस मूवी को टी पर भी देख सकते हैं काफ़ी सही मूवी है इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिए आपका दिल खुश हो जाएगा अगर हम बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में तो जो आई है वहाँ पर इस मूवी को टेन आउट ऑफ सेवन की रेटिंग मिली थी इसके अलावा इस मूवी को एट्टी लोगों ने लाइक्स दिया था मूवी को डायरेक्ट किया था आदित्य चोपड़ा ने जो कि एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर रहे थे इन्होंने काफ़ी अच्छी मूवीज़ पहले बनाई थी जो कि लोगों द्वारा काफ़ी पसंद भी की गई थी इनकी हम कुछ मूवीज़ के बारे में बात करें तो इनकी जो दोस्तों मूवीज़ थी वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी अच्छी रही थी तो इन्होंने पहले भी दिल वाले दुनिया ले जाएंगे मोहब्बत बेफिक्रे जैसी मूवीज़ के अंदर जो है वो काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है चलिए बात करते हैं आगे जो है हम इस मूवी के स्टारकास्ट के बारे में तो इस मूवी की वैसे तो मैन स्टारकाफ्ट आप सभी लोग जानते ही हो शाहरुख खान अनुष्का शर्मा तो यहाँ पर ये दो मैन काफ्ट है इसके अलावा आपको यहाँ पर प्रीति झिंडा विनय पाठक पीपा सुबासु अलंडी सोजा राजेश जेस विवन भटेना लारा दत्ता अरजीज गंडी अनुज टिक्कू ईशा कोपीकर एम के रहना रुसद रहना अनिशा दलाल मनमीत सिंह ऋचा पिलोड मार्क सकटो और भी यहाँ पर ढेर सारे कास्ट इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे जिनकी एक्टिंग काफ़ी कमाल का की है जो आप सभी को पसंद ज़रूर आएंगी तो अगर आप एक बेहद ही शानदार मूवी को देखना चाहते हैं जो फैमिली के साथ देखने लायक हो जिसका क्लाइमेक्स शॉकिंग हो तो इस मूवी को आप देख सकते हैं क्योंकि इस मूवी का क्लाइमैक्स आप सभी को हिला देगा वैसे तो आप सभी लोग जानते ही होगी बट जो मूवी की हीरोइन है वो इन सब के बारे में नहीं जानती होगी जब क्लाइमैक्स आएगा तब उसको मालूम पड़ता है कि ये तो बहुत ही बड़ा स्कैम हुआ मेरे साथ वो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप जब इस मूवी को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे आप सभी लोगों ने एक बात ज़रूर सुनी होगी कि हर इंसान के अंदर दो तरह के लोग होते हैं एक अच्छा एक बुरा तो मूवी की कहानी आप इसी तरह समझ लीजिए मूवी के अंदर जो मैन हीरो है यानी कि जो शाहरुख खान है वो यहाँ पर राज के रोल में है जो अनुष्का है वो यहाँ पर तनी के रोल में है दरअसल जो राज है वो ये पहले तो वो एकदम भैया जी टाप लुक में घूमता है तनी तनी से मिलता है और उससे मतलब प्यार करता है मतलब वन साइड लव होता है उससे बातें करता रहता है बट वो उसे प्यार नहीं करती है क्योंकि वो देखने में भैया जी टाइप था अच्छा नहीं था और उसका लुक भी कुछ ठीक ठाक नहीं था फिर दूसरे सीन में, में यह मालूम पड़ता है कि जो राज है वो अच्छे कपड़े पहन के आता है चश्मा लगे के आता है एकदम प्रो बन के आता है फिर यहाँ पर जो ताने उससे उसको प्यार हो जाता है दोनों पास आते आगे बढ़ते हैं कहानी आगे बढ़ते हैं फिर राज को मालूम पड़ जाता है कि दरअसल मेरे लुक में ही कमी थी पर राज उसको ये कभी नहीं बताता है कि जो पहला वो जो बंदा है भया जी टाइप वो मैं ही हूँ अब तानी भी ये बात नहीं जानती थी जैसे कहाँ कहानी आगे बढ़ती है इन दोनों के बीच में प्यार बढ़ता है फिर वो लुक चेंज होता रहता है कभी वो भया जी बन जाता है कभी अच्छा बन जाता है मतलब प्रो बन जाता है कभी नूब बन जाता है वैसे वो घूमता रहता है पर जब क्लाइमेक्स तक बात आती है तो तानी को भी शौक़ लगता है जब उसको पता चलता है बट इस मूवी से एक बात आपको ज़रूर सीखने को मिलेंगी कि अगर हमारे लुक अच्छा हो तो भाई कुछ भी कभी भी क्या कुछ भी हो सकता है मतलब कि लोग आज भी लुक ही देखते हैं पर्सनैलिटी देखते हैं इंसान अंदर से कितना अच्छा है वो कभी कोई देखता ही नहीं है भाई भले लोग कहते हैं कि लोग आज शक्ल नहीं देखते नहीं देखते बट लोग शक्ल ही देखते हैं और अपना लुक देखते हैं पर्सनैलिटी देखते हैं फिर जज करते हैं बाकी वैसे जो पहले बंदा इस मूवी के अंदर दिखाया जाता है शाहरुख खान वो भी दिल का काफ़ी अच्छा होता है तो तब जो तनी है उससे प्यार उसको प्यार नहीं होता है अब जब बाद में उसको मालूम पड़ भी जाता है तब भी इतना फ़र्क तो नहीं पड़ेगा क्योंकि वो यहाँ पर आपको इस मूवी से बहुत ही बड़ी सीख मिलेंगी तो मूवी को एक बार ज़रूर देखिए अगर आप लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा ना तो आप सभी लोगों ने एक बहुत ही कमाल की मूवी को मिस किया है इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा आपको जब भी टाइम मिले इस मूवी को यूट्यूब पर देखिए रेंट पर लेकर देखिए इस मूवी को मूवी आपका जो सेवेंटी फाइव रुपीज़ है वो ज़रूर वसूल हो जाएगा इसके अलावा मूवी जो है वैसे तो टी पर आती रहती है तो आप लोग जो है इस मूवी को टी पर भी देख सकते हैं क्योंकि टी पर तो आपको इस मूवी को देखने के लिए शायद कोई पैसे देने नहीं पड़ेंगे तो आप इस मूवी को टी पर भी देख सकते हैं काफ़ी कमाल की मूवी है इस मूवी के अंदर शाहरुख खान ने काफ़ी कमाल की एक्टिंग की है भाई मेरा तो भाई दिल खुश हो गया जब मैंने इस मूवी को देखा था और आपका भी दिल ज़रूर खुश हो जाएगा क्योंकि जो शाहरुख खान है उनकी एक्टिंग काफ़ी सही थी इस मूवी के अंदर बहुत ही कमाल की एक्टिंग यहाँ पर की है इसके अलावा अनुष्का शर्मा ने भी यहाँ पर बहुत ही शानदार एक्टिंग की है दोनों ने यहाँ पर काफ़ी कमाल की एक्टिंग की है आप सभी को जब भी टाइम मिले इस कमाल की मूवी को चेकआउट कीजिए आप इस मूवी को आपकी पूरी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं हाल ही में शाहरुख खान की एक कमाल की मूवी आई थी जिसका नाम था पठान जिसने बहुत से रिकॉर्ड तोड़े जिन लोगों को लग रहा था कि यह मूवी फ्लॉप रही थी इनके लिए बड़ा जवाब था तो आज हम यहाँ पर एक और कमाल की जो मूवी है शाहरुख खान की उसी के बारे में बात करेंगे और ये जो मूवी है वो आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी और दोस्तों अगर यह मूवी आज रिलीज़ होती मतलब 2023 के अंदर इस मूवी को रिलीज़ किया जाता तो क्या यह मूवी ब्लॉकबस्टर रहती बहुत, बहुत सारी जानकारी इस मूवी के बारे में आपको देने वाला हो साथ में ये मूवी हिंदी के अंदर कहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं मूवी का फुल रिव्यू यहाँ पर करूँगा साथ में इस मूवी के बारे में आप सभी को बहुत ही शानदार फैक्ट्स बताने वाला हो जो आपको पसंद ज़रूर आएंगे मूवी की अगर बात करें तो मूवी का नाम तो आप सभी को पता ही है रब ने बना दी जोड़ी मूवी को 2008 के अंदर रिलीज़ किया गया था और मूवी के अंदर आपको रोमांस देखने को मिलता है और मूवी का जो प्लॉट है वो काफ़ी सुंदर है काफ़ी कमाल का है जो आप सभी को पसंद ज़रूर आएगा चलिए हम बात करते हैं कि इस मूवी को हम देखना चाहते हो तो कहाँ पर देखने को मिलेंगी वैसे दोस्तों यशराज की जितनी भी मूवीज़ है वो हमें यूट्यूब पर तो मिल जाती है पर यूट्यूब पर देखने के लिए हमें कुछ पैसे देने पड़ते हैं तो इस मूवी को अगर आपको यूट्यूब पर देखना है तो लगभग आपको सेवेंटी फाइव रुपीज़ देने पड़ेंगे यूट्यूब को फिर आप इस मूवी को देख सकते हैं रेंट पर लेकर इसके अलावा मूवी जो है वो आपको एप्पल टी पर देखने को मिल जाएंगी और बहुत सारे थर्ड पार्टी साइट्स पर अवेलेबल है और टी पर यह मूवी अक्सर आती रहती है तो आप इस मूवी को टी पर भी देख सकते हैं काफ़ी सही मूवी है इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिए आपका दिल खुश हो जाएगा अगर हम बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में तो जो आई है वहाँ पर इस मूवी को टेन आउट ऑफ सेवन पॉइंट टू की रेटिंग मिली थी इसके अलावा इस मूवी को एट्टी फाइव परसेंट लोगों ने लाइक्स दिया था मूवी को डायरेक्ट किया था आदित्य चोपड़ा ने जो कि एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर रहे थे इन्होंने काफ़ी अच्छी मूवीज़ पहले बनाई थी जो कि लोगों द्वारा काफ़ी पसंद भी की गई थी इनकी हम कुछ मूवीज़ के बारे में बात करें तो इनकी जो दोस्तों मूवीज़ थी वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी अच्छी रही थी तो इन्होंने पहले भी दिल वाल धुनला ले जाएंगे मोहब्बत बेफिक्रे जैसी मूवीज़ के अंदर जो है वो काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है चलिए बात करते हैं आगे जो है हम इस मूवी के स्टारकास्ट के बारे में तो इस मूवी की वैसे तो मैन स्टारकाफ्ट आप सभी लोग जानते ही हो शाहरुख खान अनुष्का शर्मा तो यहाँ पर ये दो मैन कास्ट है इसके अलावा आपको यहाँ पर प्रीति झिंडा विनय पाठक दीपा सुबासु अलंडी सोजा राजेश जेस विवन बटेना लारा दत्ता अरिजीज घंटी अनुज टिक्कू ईशा कोपीकर एम के रहना रुसोद रहना अनिशा दलाल मनमीत सिंह ऋचा पिलोड मार्क सकटो और भी यहाँ पर ढेर सारे कास्ट इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे जिनकी एक्टिंग काफ़ी कमाल का की है जो आप सभी को पसंद ज़रूर आएंगी तो अगर आप एक बेहद ही शानदार मूवी को देखना चाहते हैं जो फैमिली के साथ देखने लायक हो जिसका क्लाइमेक्स शॉकिंग हो तो इस मूवी को आप देख सकते हैं क्योंकि इस मूवी का क्लाइमैक्स आप सभी को हिला देगा वैसे तो आप सभी लोग जानते ही हो बट जो मूवी की हीरोइन है वो इन सब के बारे में नहीं जानती होगी जब क्लाइमैक्स आएगा तब उसको मालूम पड़ता है कि ये तो बहुत ही बड़ा स्कैम हुआ मेरे साथ वो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप जब इस मूवी को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे आप सभी लोगों ने एक बात ज़रूर सुनी होगी कि हर इंसान के अंदर दो तरह के लोग होते हैं एक अच्छा एक बुरा तो मूवी की कहानी आप इसी तरह समझ लीजिए मूवी के अंदर जो मैन हीरो है यानी कि जो शाहरुख खान है वो यहाँ पर राज के रोल में है जो अनुष्का है वो यहाँ पर तनी के रोल में है दरअसल जो राज है वो ये पहले तो वो एकदम भैया जी टाप लुक में घूमता है तनी तानी से मिलता है और उससे मतलब प्यार करता है मतलब वन साइड लव होता है उससे बातें करता रहता है बट वो उससे प्यार नहीं करती है क्योंकि वो देखने में भैया जी टाइप था अच्छा नहीं था और उसका लुक भी कुछ ठीक ठाक नहीं था फिर दूसरे सीन में, में यह मालूम पड़ता है कि जो राज है वो अच्छे कपड़े पहन के आता है चश्मा लगे के आता है एकदम प्रो बन के आता है फिर यहाँ पर जो ताने हैं उससे उसको प्यार हो जाता है दोनों पास आते आगे बढ़ते हैं कहानी आगे बढ़ती है फिर राज को मालूम पड़ जाता है कि दरअसल मेरे लुक में ही कमी थी पर राज उसको ये कभी नहीं बताता है कि जो पहला वो जो बंदा है भाई जी टाइप वो मैं ही हूँ अब तानी भी ये बात नहीं जानती थी जैसे कहाँ कहानी आगे बढ़ती है इन दोनों के बीच में प्यार बढ़ता है फिर वो लुक चेंज होता रहता है कभी वो भाई जी बन जाता है कभी अच्छा बन जाता है मतलब प्रो बन जाता है कभी नूब बन जाता है वैसे वो घूमता रहता है पर जब क्लाइमेक्स तक बात आती है तो तानी को भी शौक़ लगता है जब उसको पता चलता है बट इस मूवी से एक बात आपको ज़रूर सीखने को मिलेंगी कि अगर हमारे लुक अच्छा है तो भाई कुछ भी कभी भी क्या कुछ भी हो सकता है मतलब कि लोग आज भी लुक ही देखते हैं पर्सनैलिटी देखते हैं इंसान अंदर से कितना अच्छा है वो कभी कोई देखता ही नहीं है भाई भले लोग कहते हैं कि लोग आज शक्ल नहीं देखते नहीं देखते बट लोग शकल ही देखते हैं और अपना लुक देखते हैं पर्सनलिटी देखते हैं फिर जज करते हैं बाकी वैसे जो पहले बंदा इस मूवी के अंदर दिखाया जाता है शाहरुख खान वो भी दिल का काफ़ी अच्छा होता है तो तब जो तने उससे प्यार उसको प्यार नहीं होता है अब जब बाद में उसको मालूम पड़ भी जाता है तब भी इतना फ़र्क तो नहीं पड़ेगा क्योंकि वो यहाँ पर आपको इस मूवी से बहुत ही बड़ी सीख मिलेंगी तो मूवी को एक बार ज़रूर देखिए अगर आप लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा ना तो आप सभी लोगों ने एक बहुत ही कमाल की मूवी को मिस किया है इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा आपको जब भी टाइम मिले इस मूवी को यूट्यूब पर देखिए रेंट पर लेकर देखिए इस मूवी को मूवी आपका जो सेवेंटी फाइव रुपीज़ है वो ज़रूर वसूल हो जाएगा इसके अलावा मूवी जो है वैसे टी वी पर आती रहती है तो आप लोग जो है इस मूवी को टी वी पर भी देख सकते हैं क्योंकि टी वी पर तो आपको इस मूवी को देखने के लिए शायद कोई पैसे देने नहीं पड़ेंगे तो आप इस मूवी को टी वी पर भी देख सकते हैं काफ़ी कमाल की मूवी है इस मूवी के अंदर शाहरुख खान ने काफ़ी कमाल की एक्टिंग की है भाई मेरा तो भाई दिल खुश हो गया जब मैंने इस मूवी को देखा था और आपका भी दिल ज़रूर खुश हो जाएगा क्योंकि जो शाहरुख खान है उनकी एक्टिंग काफ़ी सही थी इस मूवी के अंदर बहुत ही कमाल की एक्टिंग यहाँ पर की है इसके अलावा अनुष्का शर्मा ने भी यहाँ पर बहुत ही शानदार एक्टिंग की है दोनों ने यहाँ पर काफ़ी कमाल की एक्टिंग की है आप सभी को जब भी टाइम मिले इस कमाल की मूवी को चेकआउट कीजिए आप इस मूवी को आपकी पूरी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं हाल ही में शाहरुख खान की एक कमाल की मूवी आई थी जिसका नाम था पठान जिसने बहुत से रिकॉर्ड तोड़े जिन लोगों को लग रहा था कि यह मूवी फ्लॉप रही थी इनके लिए बड़ा जवाब था तो आज हम यहाँ पर एक और कमाल की जो मूवी है शाहरुख खान की उसी के बारे में बात करेंगे और ये जो मूवी है वो आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी और दोस्तों अगर ये मूवी आज रिलीज़ होती मतलब 2023 के अंदर इस मूवी को रिलीज़ किया जाता तो क्या ये मूवी ब्लॉकबस्टर रहती बहुत सारी जानकारी इस मूवी के बारे में आपको देने वाला हो साथ में ये मूवी हिंदी के अंदर कहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं मूवी का फुल रिव्यू यहाँ पर करूँगा साथ में इस मूवी के बारे में आप सभी को बहुत ही शानदार फैक्ट्स बताने वाला हो जो आपको पसंद जरूर आएंगे मूवी की अगर बात करें तो मूवी का नाम तो आप सभी को पता ही है रब ने बना दी जोड़ी मूवी को 2008 के अंदर रिलीज़ किया गया था और मूवी के अंदर आपको रोमांस देखने को मिलता है और मूवी का जो प्लॉट है वो काफ़ी सुंदर है काफ़ी कमाल का है जो आप सभी को पसंद ज़रूर आएगा चलिए हम बात करते हैं कि इस मूवी को हम देखना चाहते हो तो कहाँ पर देखने को मिलेंगी वैसे दोस्तों यशराज की जितनी भी मूवीज़ है वो हमें यूट्यूब पर तो मिल जाती है पर यूट्यूब पर देखने के लिए हमें कुछ पैसे देने पड़ते हैं तो इस मूवी को अगर आपको यूटूब पर देखना है तो लगभग आपको सेवेंटी फाइव रुपीज़ देने पड़ेंगे यूट्यूब को फिर आप इस मूवी को देख सकते हैं रेंट पर लेकर इसके अलावा मूवी जो है वो आपको एप्पल टी पर देखने को मिल जाएंगी और बहुत सारे थर्ड पार्टी साइट्स पर अवेलेबल है और टी पर यह मूवी अक्सर आती रहती है तो आप इस मूवी को टी पर भी देख सकते हैं काफ़ी सही मूवी है इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिए आपका दिल खुश हो जाएगा अगर हम बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में तो जो आई है वहाँ पर इस मूवी को टेन आउट ऑफ सेवन पॉइंट टू की रेटिंग मिली थी इसके अलावा इस मूवी को एट्टी फाइव परसेंट लोगों ने लाइक्स दिया था मूवी को डायरेक्ट किया था आदित्य चोपड़ा ने जो कि एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर रहे थे इन्होंने काफ़ी अच्छी मूवीज़ पहले बनाई थी जो कि लोगों द्वारा काफ़ी पसंद भी की गई थी इनकी हम कुछ मूवीज़ के बारे में बात करें तो इनकी जो दोस्तों मूवीज़ थी वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी अच्छी रही थी तो इन्होंने पहले भी दिल वाले धुनिया ले जाएंगे मोहब्बत बेफिक्रे जैसी मूवीज़ के अंदर जो है वो काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है चलिए बात करते हैं आगे जो है हम इस मूवी के स्टारकाफ्ट के बारे में तो इस मूवी के वैसे तो मैन स्टारकाफ्ट आप सभी लोग जानते ही हो शाहरुख खान अनुष्का शर्मा तो यहाँ पर ये दो मैन है इसके अलावा आपको यहाँ पर प्रीति झंडा विनय पाठक दीपा सुबासु अलंडी सोजा राजेश जेस विवेन भटेना लारा दत्ता अरजीज घंटी अनुज टिक्कू ईशा कोपीकर एम के रहना रुसद रहना अनिशा दलाल मनमीत सिंह रिचा पिलोड मार्क सक्टो और भी यहाँ पर ढेर सारे कास्ट इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे जिनकी एक्टिंग काफ़ी कमाल की है जो आप सभी को पसंद ज़रूर आएंगी तो अगर आप एक बेहद ही शानदार मूवी को देखना चाहते हैं जो फैमिली के साथ देखने लायक हो जिसका क्लाइमेक्स शॉकिंग हो तो इस मूवी को आप देख सकते हैं क्योंकि इस मूवी का क्लाइमैक्स आप सभी को हिला देगा वैसे तो आप सभी लोग जानते होंगे बट जो मूवी की हीरोइन है वो इन सब के बारे में नहीं जानती होगी जब क्लाइमैक्स आएगा तब उसको मालूम पड़ता है कि ये तो बहुत ही बड़ा स्कैम हुआ मेरे साथ वो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप जब इस मूवी को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे आप सभी लोगों ने एक बात ज़रूर सुनी होगी कि हर इंसान के अंदर दो तरह के लोग होते हैं एक अच्छा एक बुरा तो मूवी की कहानी आप इसी तरह समझ लीजिए मूवी के अंदर जो मैन हीरो है यानी कि जो शाहरुख खान है वो यहाँ पर राज के रोल में है जो अनुष्का है वो यहाँ पर तनी के रोल में है दरअसल जो राज है वो पहले तो वो एकदम भैया जी टाप लुक में घूमता है तनी तानी से मिलता है और उससे मतलब प्यार करता है मतलब वन साइड लव होता है उससे बातें करता रहता है बट वो उससे प्यार नहीं करती है क्योंकि वो देखने में भैया जी टाइप था अच्छा नहीं था और उसका लुक भी कुछ ठीक ठाक नहीं था फिर दूसरे सीन में हमें यह मालूम पड़ता है कि जो राज है वो अच्छे कपड़े पहन के आता है चश्मा लगे के आता है एकदम प्रो बन के आता है फिर यहाँ पर जो ताने उससे उसको प्यार हो जाता है दोनों पास आते आगे बढ़ते हैं कहानी आगे बढ़ती है फिर राज को मालूम पड़ जाता है कि दरअसल मेरे लुक में ही कमी थी पर राज उसको ये कभी नहीं बताता है कि जो पहला वो जो बंदा है भया जी टाइप वो मैं ही हूँ अब तानी भी ये बात नहीं जानती थी जैसे कहा कहानी आगे बढ़ती है इन दोनों के बीच में प्यार बढ़ता है फिर वो लुक चेंज होता रहता है कभी वो भया जी बन जाता है कभी अच्छा बन जाता है मतलब प्रो बन जाता है कभी नूप बन जाता है वैसे वो घूमता रहता है पर जब क्लाइमेक्स तक बात आती है तो तानी को भी शौक़ लगता है जब उसको पता चलता है बट इस मूवी से एक बात आपको जरूर सीखने को मिलेंगी कि अगर हमारे लुक अच्छा है तो भाई कुछ भी कभी भी क्या कुछ भी हो सकता है मतलब कि लोग आज भी लुक ही देखते हैं पर्सनैलिटी देखते हैं इंसान अंदर से कितना अच्छा है वो कभी कोई देखता ही नहीं है भाई भले लोग कहते हैं कि लोग आज शक्ल नहीं देखते नहीं देखते बट लोग शकल ही देखते हैं और अपना लुक देखते हैं पर्सनैलिटी देखते हैं फिर जज करते हैं बाकी वैसे जो पहले बंदा इस मूवी के अंदर दिखाया जाता है शाहरुख खान वो भी दिल का काफ़ी अच्छा होता है तो तब जो तने उससे प्यार उसको प्यार नहीं होता है अब जब बाद में उसको मालूम पड़ भी जाता है तब भी इतना फ़र्क तो नहीं पड़ेगा क्योंकि वो यहाँ पर आपको इस मूवी से बहुत ही बड़ी सीख मिलेंगी तो मूवी को एक बार ज़रूर देखिए अगर आप लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा ना तो आप सभी लोगों ने एक बहुत ही कमाल की मूवी को मिस किया है इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा आपको जब भी टाइम मिले इस मूवी को यूट्यूब पर देखिए रेंट पर लेकर देखिए इस मूवी को मूवी आपका जो सेवेंटी फाइव रुपीज़ है वो ज़रूर वसूल हो जाएगा इसके अलावा मूवी जो है वैसे उधर टी पर आती रहती है तो आप लोग जो है इस मूवी को टी पर भी देख सकते हैं क्योंकि टी पर तो आपको इस मूवी को देखने के लिए शायद कोई पैसे देने नहीं पड़ेंगे तो आप इस मूवी को टी पर भी देख सकते हैं काफ़ी कमाल की मूवी है इस मूवी के अंदर शाहरुख खान ने काफ़ी कमाल की एक्टिंग की है भाई मेरा तो भाई दिल खुश हो गया जब मैंने इस मूवी को देखा था और आपका भी दिल ज़रूर खुश हो जाएगा क्योंकि जो शाहरुख खान है उनकी एक्टिंग काफ़ी सही थी इस मूवी के अंदर बहुत ही कमाल की एक्टिंग यहाँ पर की है इसके अलावा अनुष्का शर्मा ने भी यहाँ पर बहुत ही शानदार एक्टिंग की है दोनों ने यहाँ पर काफ़ी कमाल की एक्टिंग की है आप सभी को जब भी टाइम मिले इस कमाल की मूवी को चेकआउट कीजिए आप इस मूवी को आपकी पूरी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं हाल ही में शाहरुख खान की एक कमाल की मूवी आई थी जिसका नाम था पठान जिसने बहुत से रिकॉर्ड तोड़े जिन लोगों को लग रहा था कि ये मूवी फ्लॉप रही थी इनके लिए बड़ा जवाब था तो आज हम यहाँ पर एक और कमाल की जो मूवी है शाहरुख खान की उसी के बारे में बात करेंगे और ये जो मूवी है वो आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी और दोस्तों अगर ये मूवी आज रिलीज़ होती मतलब 2023 के अंदर इस मूवी को रिलीज़ किया जाता तो क्या ये मूवी ब्लॉकबस्टर रहती बहुत सारी जानकारी इस मूवी के बारे में आपको देने वाला हो साथ में ये मूवी हिंदी के अंदर कहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं मूवी का फुल रिव्यू यहाँ पर करूँगा साथ में इस मूवी के बारे में आप सभी को बहुत ही शानदार फैक्ट्स बताने वाला हो जो आपको पसंद ज़रूर आएंगे मूवी की अगर बात करें तो मूवी का नाम तो आप सभी को पता ही है रब ने बना दी जोड़ी मूवी को 2008 के अंदर रिलीज़ किया गया था और मूवी के अंदर आपको रोमांस देखने को मिलता है और मूवी का जो प्लॉट है वो काफ़ी सुंदर है काफ़ी कमाल का है जो आप सभी को पसंद ज़रूर आएगा चलिए हम बात करते हैं कि इस मूवी को हम देखना चाहते हो तो कहाँ पर देखने को मिलेंगी वैसे दोस्तों यशराज की जितनी भी मूवीज़ है वो हमें यूट्यूब पर तो मिल जाती है पर यूट्यूब पर देखने के लिए हमें कुछ पैसे देने पड़ते हैं तो इस मूवी को अगर आपको यूटूब पर देखना है तो लगभग आपको सेवेंटी फाइव रुपीज़ देने पड़ेंगे यूट्यूब को फिर आप इस मूवी को देख सकते हैं रेंट पर लेकर इसके अलावा मूवी जो है वो आपको एप्पल टी पर देखने को मिल जाएंगी और बहुत सारे थर्ड पार्टी साइट्स पर अवेलेबल है और टी पर ये मूवी अक्सर आती रहती है तो आप इस मूवी को टी पर भी देख सकते हैं काफ़ी सही मूवी है इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिए आपका दिल खुश हो जाएगा अगर हम बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में तो जो आई है वहाँ पर इस मूवी को टेन आउट ऑफ सेवन की रेटिंग मिली थी इसके अलावा इस मूवी को एट्टी लोगों ने लाइक्स दिया था मूवी को डायरेक्ट किया था आदित्य चोपड़ा ने जो कि एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर रहे थे इन्होंने काफ़ी अच्छी मूवीज़ पहले बनाई थी जो कि लोगों द्वारा काफ़ी पसंद भी की गई थी इनकी हम कुछ मूवीज़ के बारे में बात करें तो इनकी जो दोस्तों मूवीज़ थी वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी अच्छी रही थी तो इन्होंने पहले भी दिल वाले धुनिया ले जाएंगे मोहब्बत बेफिक्रे जैसी मूवीज़ के अंदर जो है वो काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है चलिए तो बात करते हैं आगे जो है हम इस मूवी के स्टारकास्ट के बारे में तो इस मूवी की वैसे तो मैन का आप सभी लोग जानते ही हो शाहरुख खान अनुष्का शर्मा तो यहाँ पर ये दो मैन काफ्ट है इसके अलावा आपको यहाँ पर प्रीति झिंडा विनय पाठक दीपा सुबासु अलंडी सोजा राजेश जेस विवन बटेना लारा दत्ता अरजीज घंटी अनुज टिक्कू ई ईशा कोपीकर एम के रहना रुसोद रहना अनिशा दलाल मनमीत सिंह रिचा पिलोड मार्क सक्टो और भी यहाँ पर ढेर सारे कास्ट इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे जिनकी एक्टिंग काफ़ी कमाल की है जो आप सभी को पसंद ज़रूर आएंगी तो अगर आप एक बेहद ही शानदार मूवी को देखना चाहते हैं जो फैमिली के साथ देखने लायक हो जिसका क्लाइमेक्स शॉकिंग हो तो इस मूवी को आप देख सकते हैं क्योंकि इस मूवी का क्लाइमैक्स आप सभी को हिला देगा वैसे तो आप सभी लोग जानते ही होगी बट जो मूवी की हीरोइन है वो इन सब के बारे में नहीं जानती होगी जब क्लाइमैक्स आएगा तब उसको मालूम पड़ता है कि ये तो बहुत ही बड़ा स्कैम हुआ मेरे साथ वो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप जब इस मूवी को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे आप सभी लोगों ने एक बात ज़रूर सुनी होगी कि हर इंसान के अंदर दो तरह के लोग होते हैं एक अच्छा एक बुरा तो मूवी की कहानी आप इसी तरह समझ लीजिए मूवी के अंदर जो मैन हीरो है यानी कि जो शाहरुख खान है वो यहाँ पर राज के रोल में है जो अनुष्का है वो यहाँ पर तनी के रोल में है दरअसल जो राज है वो ये पहले तो वो एकदम भैया जी टाइप लुक में घूमता है तनी तानी से मिलता है और उससे मतलब प्यार करता है मतलब वन साइड लव होता है उससे बातें करता रहता है बट वो उससे प्यार नहीं करती है क्योंकि वो देखने में भैया भयाची टाइप था अच्छा नहीं था और उसका लुक भी कुछ ठीक ठाक नहीं था फिर दूसरे सीन में हमें यह मालूम पड़ता है कि जो राज है वो अच्छे कपड़े पहन के आता है चश्मा लगे के आता है एकदम प्रो बन के आता है फिर यहाँ पर जो ताने उससे उसको प्यार हो जाता है दोनों पास आते आगे बढ़ते हैं कहानी आगे बढ़ते हैं फिर राज को मालूम पड़ जाता है कि दरअसल मेरे लुक में ही कमी थी पर राज उसको ये कभी नहीं बताता है कि जो पहला वो जो बंदा है भया जी टाइप वो मैं ही हूँ अब तानी भी ये बात नहीं जानती थी जैसे कहा कहानी आगे बढ़ती है इन दोनों के बीच में प्यार बढ़ता है फिर वो लुक चेंज होता रहता है कभी वो भया जी बन जाता है कभी अच्छा बन जाता है मतलब प्रो बन जाता है कभी नूब बन जाता है वैसे वो घूमता रहता है पर जब क्लाइमेक्स तक बात आती है तो तानी को भी शौक़ लगता है जब उसको पता चलता है बट इस मूवी से एक बात आपको ज़रूर सीखने को मिलेंगी कि अगर हमारे लुक अच्छा है तो भाई कुछ भी कभी भी क्या कुछ भी हो सकता है मतलब कि लोग आज भी लुक ही देखते हैं पर्सनैलिटी देखते हैं इंसान अंदर से कितना अच्छा है वो कभी कोई देखता ही नहीं है भाई भले लोग कहते हैं कि लोग आज शक्ल नहीं देखते वही नहीं देखते बट लोग शक्ल ही देखते हैं और अपना लुक देखते हैं पर्सनैलिटी देखते हैं फिर जज करते हैं बाकी वैसे जो पहले बंदा इस मूवी के अंदर दिखाया जाता है शाहरुख खान वो भी दिल का काफ़ी अच्छा होता है तो तब जो है उससे प्यार उसको प्यार नहीं होता है अब जब बाद में उसका मालूम पड़ भी जाता है तब भी इतना फ़र्क तो नहीं पड़ेगा क्योंकि वो यहाँ पर आपको इस मूवी से बहुत ही बड़ी सीख मिलेंगी तो मूवी को एक बार ज़रूर देखिए अगर आप लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा ना तो आप सभी लोगों ने एक बहुत ही कमाल की मूवी को मिस किया है इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा आपको जब भी टाइम मिले इस मूवी को यूट्यूब पर देखिए रेंट पर लेकर देखिए इस मूवी को मूवी आपका जो सेवेंटी फाइव रुपीज़ है वो ज़रूर वसूल हो जाएगा इसके अलावा मूवी जो है वैसे उधर टी पर आती रहती है तो आप लोग जो है इस मूवी को टी पर भी देख सकते हैं क्योंकि टी पर तो आपको इस मूवी को देखने के लिए शायद कोई पैसे देने नहीं पड़ेंगे तो आप इस मूवी को टी पर भी देख सकते हैं काफ़ी कमाल की मूवी है इस मूवी के अंदर शाहरुख खान ने काफ़ी कमाल की एक्टिंग की है भाई मेरा तो भाई दिल खुश हो गया जब मैंने इस मूवी को देखा था और आपका भी दिल ज़रूर खुश हो जाएगा क्योंकि जो शाहरुख खान है उनकी एक्टिंग काफ़ी सही थी इस मूवी के अंदर बहुत ही कमाल की एक्टिंग यहाँ पर की है इसके अलावा अनुष्का शर्मा ने भी यहाँ पर बहुत ही शानदार एक्टिंग की है दोनों ने यहाँ पर काफ़ी कमाल की एक्टिंग की है आप सभी को जब भी टाइम मिले इस कमाल की मूवी को चेकआउट कीजिए आप इस मूवी को आपकी पूरी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं हाल ही में शाहरुख खान की एक कमाल की मूवी आई थी जिसका नाम था पठान जिसने बहुत से रेकॉर्ड तोड़े जिन लोगों को लग रहा था कि ये मूवी फ्लॉप रही थी इनके लिए बड़ा जवाब था तो आज हम यहाँ पर एक और कमाल की जो मूवी है शाहरुख खान की उसी के बारे में बात करेंगे और ये जो मूवी है वो आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी और दोस्तों अगर ये मूवी आज रिलीज़ होती मतलब 2023 के अंदर इस मूवी को रिलीज़ किया जाता तो क्या ये मूवी ब्लॉकबस्टर रहती बहुत सारी जानकारी इस मूवी के बारे में आपको देने वाला हो साथ में ये मूवी हिंदी के अंदर कहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं मूवी का फुल रिव्यू यहाँ पर करूँगा साथ में इस मूवी के बारे में आप सभी को बहुत ही शानदार फैक्ट्स बताने वाला हो जो आपको पसंद ज़रूर आएंगे मूवी की अगर बात करें तो मूवी का नाम तो आप सभी को पता ही है रब ने बना दी जोड़ी मूवी को 2008 के अंदर रिलीज़ किया गया था और मूवी के अंदर आपको रोमांस देखने को मिलता है और मूवी का जो प्लॉट है वो काफ़ी सुंदर है काफ़ी कमाल का है जो आप सभी को पसंद ज़रूर आएगा चलिए हम बात करते हैं कि इस मूवी को हम देखना चाहते हो तो कहाँ पर देखने को मिलेंगी वैसे दोस्तों यशराज की जितनी भी मूवीज़ है वो हमें यूट्यूब पर तो मिल जाती है पर यूट्यूब पर देखने के लिए हमें कुछ पैसे देने पड़ते हैं तो इस मूवी को अगर आपको यूट्यूब पर देखना है तो लगभग आपको सेवेंटी फाइव रुपीज़ देने पड़ेंगे यूट्यूब को फिर आप इस मूवी को देख सकते हैं रेंट पर लेकर इसके अलावा मूवी जो है वो आपको एप्पल टी पर देखने को मिल जाएंगी और बहुत सारे थर्ड पार्टी साइट्स पर अवेलेबल है और टी पर ये मूवी अक्सर आती रहती है तो आप इस मूवी को टी पर भी देख सकते हैं काफ़ी सही मूवी है इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिए आपका दिल खुश हो जाएगा अगर हम बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में तो जो आई है वहाँ पर इस मूवी को टेन आउट ऑफ सेवन की रेटिंग मिली थी इसके अलावा इस मूवी को एट्टी लोगों ने लाइक्स दिया था मूवी को डायरेक्ट किया था आदित्य चोपड़ा ने जो कि एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर रहे थे इन्होंने काफ़ी अच्छी मूवीज़ पहले बनाई थी जो कि लोगों द्वारा काफ़ी पसंद भी की गई थी इनकी हम कुछ मूवीज़ के बारे में बात करें तो इनकी जो दोस्तों मूवीज़ थी वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी अच्छी रही थी तो इन्होंने पहले भी दिल वाले दुनिया ले जाएंगे मोहब्बत बेफिक्रे जैसी मूवीज़ के अंदर जो है वो काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है चलिए बात करते हैं आगे जो है हम इस मूवी के स्टारकास्ट के बारे में तो इस मूवी की वैसे तो मैन स्टारकाफ्ट आप सभी लोग जानते ही हो शाहरुख खान अनुष्का शर्मा तो यहाँ पर ये दो मैन काफ्ट है इसके अलावा आपको यहाँ पर प्रीति झिंडा विनय पाठक दीपा सुबासु अलंडी सोजा राजेश जेस विवन बटेना लारा दत्ता अरजीज गंडी अनुज टिक्कू ईशा कोपीकर एम के रहना रुसद रहना अनिशा दलाल मनमीत सिंह ऋचा पिलोड मार्क सकटो और भी यहाँ पर ढेर सारे कास्ट इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे जिनकी एक्टिंग काफ़ी कमाल की है जो आप सभी को पसंद ज़रूर आएंगी तो अगर आप एक बेहद ही शानदार मूवी को देखना चाहते हैं जो फैमिली के साथ देखने लायक हो जिसका क्लाइमैक्स शॉकिंग हो तो इस मूवी को आप देख सकते हैं क्योंकि इस मूवी का क्लाइमैक्स आप सभी को हिला देगा वैसे तो आप सभी लोग जानते हो ही होगी बट जो मूवी की हीरोइन है वो इन सब के बारे में नहीं जानती होगी जब क्लाइमैक्स आएगा तब उसको मालूम पड़ता है कि ये तो बहुत ही बड़ा स्कैम हुआ मेरे साथ वो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप जब इस मूवी को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे आप सभी लोगों ने एक बात ज़रूर सुनी होगी कि हर इंसान के अंदर दो तरह के लोग होते हैं एक अच्छा एक बुरा तो मूवी की कहानी आप इसी तरह समझ लीजिए मूवी के अंदर जो मैन हीरो है यानी कि जो शाहरुख खान है वो यहाँ पर राज के रोल में है जो अनुष्का है वो यहाँ पर तनी के रोल में है दरअसल जो राज है वो पहले तो वो एकदम भैया जी टाप लुक में घूमता है तनी तानी से मिलता है और उससे मतलब प्यार करता है मतलब वन साइड लव होता है उससे बातें करता रहता है बट वो उसे प्यार नहीं करती है क्योंकि वो देखने में भैया जी टाइप था अच्छा नहीं था और उसका लुक भी कुछ ठीक ठाक नहीं था फिर दूसरे सीन में यह मालूम पड़ता है कि जो राज है वो अच्छे कपड़े पहन के आता है चश्मा लगे के आता है एकदम प्रो बन के आता है फिर यहाँ पर जो ताने है उससे उसको प्यार हो जाता है दोनों पास आते आगे बढ़ते हैं कहानी आगे बढ़ते हैं फिर राज को मालूम पड़ जाता है कि दरअसल मेरे लुक में ही कमी थी पर राज उसको ये कभी नहीं बताता है कि जो पहला वो जो बंदा है भया जी टाइप वो मैं ही हूँ अब तानी भी ये बात नहीं जानती थी जैसे कहाँ कहानी आगे बढ़ती है इन दोनों के बीच में प्यार बढ़ता है फिर वो लुक चेंज होता रहता है कभी वो भैया जी बन जाता है कभी अच्छा बन जाता है मतलब प्रो बन जाता है कभी नूब बन जाता है वैसे वो घूमता रहता है पर जब क्लाइमेक्स तक बात आती है तो तानी को भी शौक़ लगता है जब उसको पता चलता है बट इस मूवी से एक बात आपको ज़रूर सीखने को मिलेंगी कि अगर हमारे लुक अच्छा हो तो भाई कुछ भी कभी भी क्या कुछ भी हो सकता है मतलब कि लोग आज भी लुक ही देखते हैं पर्सनैलिटी देखते हैं इंसान अंदर से कितना अच्छा है वो कभी कोई देखता ही नहीं है भाई भले लोग कहते हैं कि लोग आज शकल नहीं देखते नहीं देखते बट लोग शक्ल ही देखते हैं और अपना लुक देखते हैं पर्सनैलिटी देखते हैं फिर जज करते हैं बाकी वैसे जो पहले बंदा इस मूवी के अंदर दिखाया जाता है शाहरुख खान वो भी दिल का काफ़ी अच्छा होता है तो तब जो तने उससे प्यार उसको प्यार नहीं होता है अब जब बाद में उसको मालूम पड़ भी जाता है तब भी इतना फ़र्क तो नहीं पड़ेगा क्योंकि वो यहाँ पर आपको इस मूवी से बहुत ही बड़ी सीख मिलेंगी तो मूवी को एक बार ज़रूर देखिए अगर आप लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा ना तो आप सभी लोगों ने एक बहुत ही कमाल की मूवी को मिस किया है इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा आपको जब भी टाइम मिले इस मूवी को यूटूब पर देखिए रेंट पर लेकर देखिए इस मूवी को मूवी आपका जो सेवेंटी फाइव रुपीज़ है वो ज़रूर वसूल हो जाएगा इसके अलावा मूवी जो है वैसे टी टीवी पर आती रहती है तो आप लोग जो है इस मूवी को टी पर भी देख सकते हैं क्योंकि टी पर तो आपको इस मूवी को देखने के लिए शायद कोई पैसे देने नहीं पड़ेंगे तो आप इस मूवी को टी पर भी देख सकते हैं काफ़ी कमाल की मूवी है इस मूवी के अंदर शाहरुख खान ने काफ़ी कमाल की एक्टिंग की है भाई मेरा तो भाई दिल खुश हो गया जब मैंने इस मूवी को देखा था और आपका भी दिल ज़रूर खुश हो जाएगा क्योंकि जो शाहरुख खान है उनकी एक्टिंग काफ़ी सही थी इस मूवी के अंदर बहुत ही कमाल की एक्टिंग यहाँ पर की है इसके अलावा अनुष्का शर्मा ने भी यहाँ पर बहुत ही शानदार एक्टिंग की है दोनों ने यहाँ पर काफ़ी कमाल की एक्टिंग की है आप सभी को जब भी टाइम मिले इस कमाल की मूवी को चेकआउट कीजिए आप इस मूवी को आपकी पूरी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं हाल ही में शाहरुख खान की एक कमाल की मूवी आई थी जिसका नाम था पठान जिसने बहुत से रेकॉर्ड तोड़े जिन लोगों को लग रहा था कि यह मूवी फ्लॉप रही थी इनके लिए बड़ा जवाब था तो आज हम यहाँ पर एक और कमाल की जो मूवी है शाहरुख खान की उसी के बारे में बात करेंगे और ये जो मूवी है वो आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी और दोस्तों अगर यह मूवी आज रिलीज़ होती मतलब 2023 के अंदर इस मूवी को रिलीज़ किया जाता तो क्या यह मूवी ब्लॉकबस्टर रहती बहुत सारी जानकारी इस मूवी के बारे में आपको देने वाला हो साथ में ये मूवी हिंदी के अंदर कहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं मूवी का फुल रिव्यू यहाँ पर करूँगा साथ में इस मूवी के बारे में आप सभी को बहुत ही शानदार फैक्ट्स बताने वाला हो जो आपको पसंद ज़रूर आएंगे मूवी की अगर बात करें तो मूवी का नाम तो आप सभी को पता ही है रब ने बना दी जोड़ी मूवी को 2008 के अंदर रिलीज़ किया गया था और मूवी के अंदर आपको रोमांस देखने को मिलता है और मूवी का जो प्लॉट है वो काफ़ी सुंदर है काफ़ी कमाल का है जो हम सभी को पसंद ज़रूर आएगा चलिए हम बात करते हैं कि इस मूवी को हम देखना चाहते हो तो कहाँ पर देखने को मिलेंगी वैसे दोस्तों यशराज की जितनी भी मूवीज़ है वो हमें यूट्यूब पर तो मिल जाती है पर यूट्यूब पर देखने के लिए हमें कुछ पैसे देने पड़ते हैं तो इस मूवी को अगर आपको यूट्यूब पर देखना है तो लगभग आपको सेवेंटी फाइव रुपीज़ देने पड़ेंगे यूट्यूब को फिर आप इस मूवी को देख सकते हैं रेंट पर लेकर इसके अलावा मूवी जो है वो आपको एप्पल टी पर देखने को मिल जाएंगी और बहुत सारे थर्ड पार्टी साइट्स पर अवेलेबल है और टी पर ये मूवी अक्सर आती रहती है तो आप इस मूवी को टी पर भी देख सकते हैं काफ़ी सही मूवी है इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिए आपका दिल खुश हो जाएगा अगर हम बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में तो जो आई है वहाँ पर इस मूवी को टेन आउट ऑफ सेवन की रेटिंग मिली थी इसके अलावा इस मूवी को एट्टी लोगों ने लाइक्स दिया था मूवी को डायरेक्ट किया था आदित्य चोपड़ा ने जो कि एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर रहे थे इन्होंने काफ़ी अच्छी मूवीज़ पहले बनाई थी जो कि लोगों द्वारा काफ़ी पसंद भी की गई थी इनकी हम कुछ मूवीज़ के बारे में बात करें तो इनकी जो दोस्तों मूवीज़ थी वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी अच्छी रही थी तो इन्होंने पहले भी दिल वाले दुनिया ले जाएंगे मोहब्बत बेफिक्रे जैसी मूवीज़ के अंदर जो है वो काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है चलिए तो बात करते हैं आगे जो है हम इस मूवी के स्टारकास्ट के बारे में तो इस मूवी की वैसे तो मैन स्टारकाफ्ट आप सभी लोग जानते ही हो शाहरुख खान अनुष्का शर्मा तो यहाँ पर ये दो मैन काफ्ट है इसके अलावा आपको यहाँ पर प्रीति झिंडा विनय पाठक दीपा सुबासु अलंडी सोजा राजेश जेस विवन बटेना लारा दत्ता अरजीज गंडी अनुज टिक्कू ईशा कोपीकर एम के रहना रुसद रहना अनिशा दलाल मनमीत सिंह ऋचा पिलोड मार्क सकटो और भी यहाँ पर ढेर सारे कास्ट इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे जिनकी एक्टिंग काफ़ी कमाल की है जो आप सभी को पसंद ज़रूर आएंगी तो अगर आप एक बेहद ही शानदार मूवी को देखना चाहते हैं जो फैमिली के साथ देखने लायक हो जिसका क्लाइमेक्स शॉकिंग हो तो इस मूवी को आप देख सकते हैं क्योंकि इस मूवी का क्लाइमैक्स आप सभी को हिला देगा वैसे तो आप सभी लोग जानते हो ही होगी बट जो मूवी की हीरोइन है वो इन सब के बारे में नहीं जानती होगी जब क्लाइमैक्स आएगा तब उसको मालूम पड़ता है कि ये तो बहुत ही बड़ा स्कैम हुआ मेरे साथ वो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप जब इस मूवी को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे आप सभी लोगों ने एक बात जरूर सुनी होगी कि हर इंसान के अंदर दो तरह के लोग होते हैं एक अच्छा एक बुरा तो मूवी की कहानी आप इसी तरह समझ लीजिए मूवी के अंदर जो मैन हीरो है यानी कि जो शाहरुख खान है वो यहाँ पर राज के रोल में है जो अनुष्का है वो यहाँ पर तनी के रोल में है दरअसल जो राज है वो पहले तो वो एकदम भैया जी टाप लुक में घूमता है तनी तनी से मिलता है और उससे मतलब प्यार करता है मतलब वन साइड लव होता है उससे बातें करता रहता है बट वो उसे प्यार नहीं करती है क्योंकि वो देखने में भया जी टाइप था अच्छा नहीं था और उसका लुक भी कुछ ठीक ठाक नहीं था फिर दूसरे सीन में यह मालूम पड़ता है कि जो राज है वो अच्छे कपड़े पहन के आता है चश्मा लगे के आता है एकदम प्रो बन के आता है फिर यहाँ पर जो ताने उससे उसको प्यार हो जाता है दोनों पास आते आगे बढ़ते हैं कहानी आगे बढ़ते हैं फिर राज को मालूम पड़ जाता है कि दरअसल मेरे लुक में ही कमी थी पर राज उसको ये कभी नहीं बताता है कि जो पहला वो जो बंदा है भया टाइप वो मैं ही हूँ अब तानी भी ये बात नहीं जानती थी जैसे कहाँ कहानी आगे बढ़ती है इन दोनों के बीच में प्यार बढ़ता है फिर वो लुक चेंज होता रहता है कभी वो भया जी बन जाता है कभी अच्छा बन जाता है मतलब प्रो बन जाता है कभी नूब बन जाता है वैसे वो घूमता रहता है पर जब क्लाइमेक्स तक बात आती है तो तानी को भी शौक़ लगता है जब उसको पता चलता है बट इस मूवी से एक बात आपको ज़रूर सीखने को मिलेंगी कि अगर हमारे लुक अच्छा हो तो भाई कुछ भी कभी भी क्या कुछ भी हो सकता है मतलब कि लोग आज भी लुक ही देखते हैं पर्सनैलिटी देखते हैं इंसान अंदर से कितना अच्छा है वो कभी कोई देखता ही नहीं है भाई भले लोग कहते हैं कि लोग आज शक्ल नहीं देखते नहीं देखते बट लोग शक्ल ही देखते हैं और अपना लुक देखते हैं पर्सनैलिटी देखते हैं फिर जज करते हैं बाकी वैसे जो पहले बंदा इस मूवी के अंदर दिखाया जाता है शाहरुख खान वो भी दिल का काफ़ी अच्छा होता है तो तब जो तने उससे प्यार उसको प्यार नहीं होता है अब जब बाद में उसको मालूम पड़ भी जाता है तब भी इतना फ़र्क तो नहीं पड़ेगा क्योंकि वो यहाँ पर आपको इस मूवी से बहुत ही बड़ी सीख मिलेंगी तो मूवी को एक बार ज़रूर देखिए अगर आप लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा ना तो आप सभी लोगों ने एक बहुत ही कमाल की मूवी को मिस किया है इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा आपको जब भी टाइम मिले इस मूवी को यूट्यूब पर देखिए रेंट पर लेकर देखिए इस मूवी को मूवी आपका जो सेवेंटी फाइव रुपीज़ है वो ज़रूर वसूल हो जाएगा इसके अलावा मूवी जो है वैसे टी वी पर आती रहती है तो आप लोग जो है इस मूवी को टी वी पर भी देख सकते हैं क्योंकि टी वी पर तो आपको इस मूवी को देखने के लिए शायद कोई पैसे देने नहीं पड़ेंगे तो आप इस मूवी को टी वी पर भी देख सकते हैं काफ़ी कमाल की मूवी है इस मूवी के अंदर शाहरुख खान ने काफ़ी कमाल की एक्टिंग की है भाई मेरा तो भाई दिल खुश हो गया जब मैंने इस मूवी को देखा था और आपका भी दिल ज़रूर खुश हो जाएगा क्योंकि जो शाहरुख खान है उनकी एक्टिंग काफ़ी सही थी इस मूवी के अंदर बहुत ही कमाल की एक्टिंग यहाँ पर की है इसके अलावा अनुष्का शर्मा ने भी यहाँ पर बहुत ही शानदार एक्टिंग की है दोनों ने यहाँ पर काफ़ी कमाल की एक्टिंग की है आप सभी को जब भी टाइम मिले इस कमाल की मूवी को चेकआउट कीजिए आप इस मूवी को आपकी पूरी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं हाल ही में शाहरुख खान की एक कमाल की मूवी आई थी जिसका नाम था पठान जिसने बहुत से रिकॉर्ड तोड़े जिन लोगों को लग रहा था कि यह मूवी फ्लॉप रही थी इनके लिए बड़ा जवाब था तो आज हम यहाँ पर एक और कमाल की जो मूवी है शाहरुख खान की उसी के बारे में बात करेंगे और ये जो मूवी है वो आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी और दोस्तों अगर ये मूवी आज रिलीज़ होती मतलब 2023 के अंदर इस मूवी को रिलीज़ किया जाता तो क्या ये मूवी ब्लॉकबस्टर रहती बहुत सारी जानकारी इस मूवी के बारे में आपको देने वाला हो साथ में ये मूवी हिंदी के अंदर कहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं मूवी का फुल रिव्यू यहाँ पर करूँगा साथ में इस मूवी के बारे में आप सभी को बहुत ही शानदार फैक्ट्स बताने वाला हो जो आपको पसंद ज़रूर आएंगे मूवी की अगर बात करें तो मूवी का नाम तो आप सभी को पता ही है रब ने बना दी जोड़ी मूवी को 2008 के अंदर रिलीज़ किया गया था और मूवी के अंदर आपको रोमांस देखने को मिलता है और मूवी का जो प्लॉट है वो काफ़ी सुंदर है काफ़ी कमाल का है जो आप सभी को पसंद ज़रूर आएगा चलिए हम बात करते हैं कि इस मूवी को हम देखना चाहते हो तो कहाँ पर देखने को मिलेंगी वैसे दोस्तों यशराज की जितनी भी मूवीज़ है वो हमें यूट्यूब पर तो मिल जाती है पर यूट्यूब पर देखने के लिए हमें कुछ पैसे देने पड़ते हैं तो इस मूवी को अगर आपको यूट्यूब पर देखना है तो लगभग आपको सेवेंटी फाइव रुपीज़ देने पड़ेंगे यूट्यूब को फिर आप इस मूवी को देख सकते हैं रेंट पर लेकर इसके अलावा मूवी जो है वो आपको एप्पल टी पर देखने को मिल जाएंगी और बहुत सारे थर्ड पार्टी साइट्स पर अवेलेबल है और टी पर यह मूवी अक्सर आती रहती है तो आप इस मूवी को टी पर भी देख सकते हैं काफ़ी सही मूवी है इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिए आपका दिल खुश हो जाएगा अगर हम बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में तो जो आई है वहाँ पर इस मूवी को टेन आउट ऑफ सेवन की रेटिंग मिली थी इसके अलावा इस मूवी को एट्टी लोगों ने लाइक्स दिया था मूवी को डायरेक्ट किया था आदित्य चोपड़ा ने जो कि एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर रहे थे इन्होंने काफ़ी अच्छी मूवीज़ पहले बनाई थी जो कि लोगों द्वारा काफ़ी पसंद भी की गई थी इनकी हम कुछ मूवीज़ के बारे में बात करें तो इनकी जो दोस्तों मूवीज़ थी वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी अच्छी रही थी तो इन्होंने पहले भी दिल वाले धुनिया ले जाएंगे मोहब्बत बेफिक्रे जैसी मूवीज़ के अंदर जो है वो काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है चलिए तो बात करते हैं आगे जो है हम इस मूवी के स्टारकास्ट के बारे में तो इस मूवी की वैसे तो मैन स्टारकाफ्ट आप सभी लोग जानते ही हो शाहरुख खान अनुष्का शर्मा तो यहाँ पर ये दो मैन काफ्ट है इसके अलावा आपको यहाँ पर प्रीति झिंडा विनय पाठक दीपा सुबासु अलंडी सोजा राजेश जेस विवन बटेना लारा दत्ता अरजीज गंडी अनुज टिक्कू ईशा कोपीकर एम के रहना रुसद रहना अनिशा दलाल मनमीत सिंह ऋचा पिलोड मार्क सकटो और भी यहाँ पर ढेर सारे कास्ट इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे जिनकी एक्टिंग काफ़ी कमाल की है जो आप सभी को पसंद ज़रूर आएंगी तो अगर आप एक बेहद ही शानदार मूवी को देखना चाहते हैं जो फैमिली के साथ देखने लायक हो जिसका क्लाइमैक्स शॉकिंग हो तो इस मूवी को आप देख सकते हैं क्योंकि इस मूवी का क्लाइमैक्स आप सभी को हिला देगा वैसे तो आप सभी लोग जानते होंगे बट जो मूवी की हीरोइन है वो इन सब के बारे में नहीं जानती होगी जब क्लाइमैक्स आएगा तब उसको मालूम पड़ता है कि ये तो बहुत ही बड़ा स्कैम हुआ मेरे साथ वो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप जब इस मूवी को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे आप सभी लोगों ने एक बात ज़रूर सुनी होगी कि हर इंसान के अंदर दो तरह के लोग होते हैं एक अच्छा एक बुरा तो मूवी की कहानी आप इसी तरह समझ लीजिए मूवी के अंदर जो जैन हीरो है यानी कि जो शाहरुख खान है वो यहाँ पर राज के रोल में है जो अनुष्का है वो यहाँ पर तनी के रोल में है दरअसल जो राज है वो पहले तो वो एकदम भैया जी टाप लुक में घूमता है तनी तनी से मिलता है और उससे मतलब प्यार करता है मतलब वन साइड लव होता है उससे बातें करता रहता है बट वो उसे प्यार नहीं करती है क्योंकि वो देखने में भया जी टाइप था अच्छा नहीं था और उसका लुक भी कुछ ठीक ठाक नहीं था फिर दूसरे सीन में हमें यह मालूम पड़ता है कि जो राज है वो अच्छे कपड़े पहन के आता है चश्मा लगे के आता है एकदम प्रो बन के आता है फिर यहाँ पर जो ताने हैं उससे उसको प्यार हो जाता है दोनों पास आते है आगे बढ़ते हैं कहानी आगे बढ़ती है फिर राज को मालूम पड़ जाता है कि दरअसल मेरे लुक में ही कमी थी पर राज उसको ये कभी नहीं बताता है कि जो पहला वो जो बंदा है भया जी टाइप वो मैं ही हूँ अब तानी भी ये बात नहीं जानती थी जैसे कहाँ कहानी आगे बढ़ती है इन दोनों के बीच में प्यार बढ़ता है फिर वो लुक चेंज होता रहता है कभी वो भैया जी बन जाता है कभी अच्छा बन जाता है मतलब प्रो बन जाता है कभी नूब बन जाता है वैसे वो घूमता रहता है पर जब क्लाइमेक्स तक बात आती है तो तानी को भी शौक़ लगता है जब उसको पता चलता है बट इस मूवी से एक बात आपको ज़रूर सीखने को मिलेंगी कि अगर हमारे लुक अच्छा है तो भाई कुछ भी कभी भी क्या कुछ भी हो सकता है मतलब कि लोग आज भी लुक ही देखते हैं पर्सनैलिटी देखते हैं इंसान अंदर से कितना अच्छा है वो कभी कोई देखता ही नहीं है भाई भले लोग कहते हैं कि लोग आज शक्ल नहीं देखते नहीं देखते बट लोग शक्ल ही देखते हैं और अपना लुक देखते हैं पर्सनलिटी देखते हैं फिर जज करते हैं बाकी वैसे जो पहले बंदा इस मूवी के अंदर दिखाया जाता है शाहरुख खान वो भी दिल का काफ़ी अच्छा होता है तो तब जो तने उससे प्यार उसको प्यार नहीं होता है अब जब बाद में उसका मालूम पड़ भी जाता है तब भी इतना फ़र्क तो नहीं पड़ेगा क्योंकि वो यहाँ पर आपको इस मूवी से बहुत ही बड़ी सीख मिलेंगी तो मूवी को एक बार ज़रूर देखिए अगर आप लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा ना तो आप सभी लोगों ने एक बहुत ही कमाल की मूवी को मिस किया है इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा आपको जब भी टाइम मिले इस मूवी को यूट्यूब पर देखिए रेंट पर लेकर देखिए इस मूवी को मूवी आपका जो सेवेंटी फाइव रुपीज़ है वो ज़रूर वसल हो जाएगा इसके अलावा मूवी जो है वैसे टी टीवी पर आती रहती है तो आप लोग जो है इस मूवी को टी पर भी देख सकते हैं क्योंकि टी पर तो आपको इस मूवी को देखने के लिए शायद कोई पैसे देने नहीं पड़ेंगे तो आप इस मूवी को टी पर भी देख सकते हैं काफ़ी कमाल की मूवी है इस मूवी के अंदर शाहरुख खान ने काफ़ी कमाल की एक्टिंग की है भाई मेरा तो भाई दिल खुश हो गया जब मैंने इस मूवी को देखा था और आपका भी दिल ज़रूर खुश हो जाएगा क्योंकि जो शाहरुख खान है उनकी एक्टिंग काफ़ी सही थी इस मूवी के अंदर बहुत ही कमाल की एक्टिंग यहाँ पर की है इसके अलावा अनुष्का शर्मा ने भी यहाँ पर बहुत ही शानदार एक्टिंग की है दोनों ने यहाँ पर काफ़ी कमाल की एक्टिंग की है आप सभी को जब भी टाइम मिले इस कमाल की मूवी को चेकआउट कीजिए आप इस मूवी को आपकी पूरी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं हाल ही में शाहरुख खान की एक कमाल की मूवी आई थी जिसका नाम था पठान जिसने बहुत से रिकॉर्ड तोड़े जिन लोगों को लग रहा था कि यह मूवी फ्लॉप रही थी इनके लिए बड़ा जवाब था तो आज हम यहाँ पर एक और कमाल की जो मूवी है शाहरुख खान की उसी के बारे में बात करेंगे और ये जो मूवी है वो आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी और दोस्तों अगर यह मूवी आज रिलीज़ होती मतलब 2023 के अंदर इस मूवी को रिलीज़ किया जाता तो क्या ये मूवी ब्लॉकबस्टर रहती बहुत सारी जानकारी इस मूवी के बारे में आपको देने वाला हो साथ में ये मूवी हिंदी के अंदर कहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं मूवी का फुल रिव्यू यहाँ पर करूँगा साथ में इस मूवी के बारे में आप सभी को बहुत ही शानदार फैक्ट्स बताने वाला हो जो आपको पसंद ज़रूर आएंगे मूवी की अगर बात करें तो मूवी तो का नाम तो आप सभी को पता ही है रब ने बना दी जोड़ी मूवी को 2008 के अंदर रिलीज़ किया गया था और मूवी के अंदर आपको रोमांस देखने को मिलता है और मूवी का जो प्लॉट है वो काफ़ी सुंदर है काफ़ी कमाल का है जो आप सभी को पसंद ज़रूर आएगा चलिए हम बात करते हैं कि इस मूवी को हम देखना चाहते हो तो कहाँ पर देखने को मिलेंगी वैसे दोस्तों यशराज की जितनी भी मूवीज़ है वो हमें यूट्यूब पर तो मिल जाती है पर यूट्यूब पर देखने के लिए हमें कुछ पैसे देने पड़ते हैं तो इस मूवी को अगर आपको यूट्यूब पर देखना है तो लगभग आपको सेवेंटी फाइव रुपीज़ देने पड़ेंगे यूट्यूब को फिर आप इस मूवी को देख सकते हैं रेंट पर लेकर इसके अलावा मूवी जो है वो आपको एप्पल टी पर देखने को मिल जाएंगी और बहुत सारे थर्ड पार्टी साइट्स पर अवेलेबल है और टी पर यह मूवी अक्सर आती रहती है तो आप इस मूवी को टी पर भी देख सकते हैं काफ़ी सही मूवी है इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिए आपका दिल खुश हो जाएगा अगर हम बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में तो जो आई है वहाँ पर इस मूवी को टेन आउट ऑफ सेवन की रेटिंग मिली थी इसके अलावा इस मूवी को एट्टी लोगों ने लाइक्स दिया था मूवी को डायरेक्ट किया था आदित्य चोपड़ा ने जो कि एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर रहे थे इन्होंने काफ़ी अच्छी मूवीज़ पहले बनाई थी जो कि लोगों द्वारा काफ़ी पसंद भी की गई थी इनकी हम कुछ मूवीज़ के बारे में बात करें तो इनकी जो दोस्तों मूवीज थी वो बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छी रही थी तो इन्होंने पहले भी दिल वाल धुनला ले जाएंगे मोहब्बत बेफिक्रे जैसी मूवीज़ के अंदर जो है वो काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है चलिए बात करते हैं आगे जो है हम इस मूवी के स्टारकास्ट के बारे में तो इस मूवी की वैसे तो मैन स्टारकाफ्ट आप सभी लोग जानते ही हो शाहरुख खान अनुष्का शर्मा तो यहाँ पर ये दो मैन काफ्ट है इसके अलावा आपको यहाँ पर प्रीति झंडा विनय पाठक दीपा सुबासु अलंडी सोजा राजेश जेस विवन बटेना लारा दत्ता अरजीज घंटी अनुज टिक्कू ईशा कोपीकर एम के रहना रुसोद रहना अनिशा दलाल मनमीत सिंह रिचा पिलोड मार्क सकटो और भी यहाँ पर ढेर सारे कास्ट इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे जिनकी एक्टिंग काफ़ी कमाल की है जो आप सभी को पसंद ज़रूर आएंगी तो अगर आप एक बेहद ही शानदार मूवी को देखना चाहते हैं जो फैमिली के साथ देखने लायक हो जिसका क्लाइमैक्स शॉकिंग हो तो इस मूवी को आप देख सकते हैं क्योंकि इस मूवी का क्लाइमैक्स आप सभी को हिला देगा वैसे तो आप सभी लोग जानते हो बट जो मूवी की हीरोइन है वो इन सब के बारे में नहीं जानती होगी जब क्लाइमैक्स आएगा तब उसको मालूम पड़ता है कि ये तो बहुत ही बड़ा स्कैम हुआ मेरे साथ वो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप जब इस मूवी को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे आप सभी लोगों ने एक बात ज़रूर सुनी होगी कि हर इंसान के अंदर दो तरह के लोग होते हैं एक अच्छा एक बुरा तो मूवी की कहानी आप इसी तरह समझ लीजिए मूवी के अंदर जो मैन हीरो है यानी कि जो शाहरुख खान है वो यहाँ पर राज के रोल में है जो अनुष्का है वो यहाँ पर तनी के रोल में है दरअसल जो राज है वो पहले तो वो एकदम भैया जी टाप लुक में घूमता है तनी तनी से मिलता है और उससे मतलब प्यार करता है मतलब वन साइड लव होता है उससे बातें करता रहता है बट वो उससे प्यार नहीं करती है क्योंकि वो देखने में भैया जी टाइप था अच्छा नहीं था और उसका लुक भी कुछ ठीक ठाक नहीं था फिर दूसरे सीन में यह मालूम पड़ता है कि जो राज है वो अच्छे कपड़े पहन के आता है चश्मा लगे के आता है एकदम प्रो बन के आता है फिर यहाँ पर जो ताने हैं उससे उसको प्यार हो जाता है दोनों पास आते आगे बढ़ते हैं कहानी आगे बढ़ती है फिर राज को मालूम पड़ जाता है कि दरअसल मेरे लुक में ही कमी थी पर राज उसको ये कभी नहीं बताता है कि जो पहला वो जो बंदा है भया जी टाइप वो मैं ही हूँ अब तानी भी ये बात नहीं जानती थी जैसे कहा कहानी आगे बढ़ती है इन दोनों के बीच में प्यार बढ़ता है फिर वो लुक चेंज होता रहता है कभी वो भया जी बन जाता है कभी अच्छा बन जाता है मतलब प्रो बन जाता है कभी नूब बन जाता है वैसे वो घूमता रहता है पर जब क्लाइमेक्स तक बात आती है तो तानी को भी शौक़ लगता है जब उसको पता चलता है बट इस मूवी से एक बात आपको जरूर सीखने को मिलेंगी कि अगर हमारे लुक अच्छा हो तो भाई कुछ भी कभी भी क्या कुछ भी हो सकता है मतलब कि लोग आज भी लुक ही देखते हैं पर्सनैलिटी देखते हैं इंसान अंदर से कितना अच्छा है वो कभी कोई देखता ही नहीं है भाई भले लोग कहते हैं कि लोग आज शकल नहीं देखते वही नहीं देखते बट लोग शक्ल देखते हैं और अपना लुक देखते हैं पर्सनैलिटी देखते हैं फिर जज करते हैं बाकी वैसे जो पहले बंदा इस मूवी के अंदर दिखाया जाता है शाहरुख खान वो भी दिल का काफ़ी अच्छा होता है तो तब जो तने उससे प्यार उसको प्यार नहीं होता है अब जब बाद में उसको मालूम पड़ भी जाता है तब भी इतना फ़र्क तो नहीं पड़ेगा क्योंकि वो यहाँ पर आपको इस मूवी से बहुत ही बड़ी सीख मिलेंगी तो मूवी को एक बार ज़रूर देखिए अगर आप लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा ना तो आप सभी लोगों ने एक बहुत ही कमाल की मूवी को मिस किया है इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा आपको जब भी टाइम मिले इस मूवी को यूट्यूब पर देखिए रेंट पर लेकर देखिए इस मूवी को मूवी आपका जो सेवेंटी फाइव रुपीज़ है वो जरूर वसूल हो जाएगा इसके अलावा मूवी जो है वैसे उधर टी पर आती रहती है तो आप लोग जो है इस मूवी को टी पर भी देख सकते हैं क्योंकि टी पर तो आपको इस मूवी को देखने के लिए शायद कोई पैसे देने नहीं पड़ेंगे तो आप इस मूवी को टी पर भी देख सकते हैं काफ़ी कमाल की मूवी है इस मूवी के अंदर शाहरुख खान ने काफ़ी कमाल की एक्टिंग की है भाई मेरा तो भाई दिल खुश हो गया जब मैंने इस मूवी को देखा था और आपका भी दिल ज़रूर खुश हो जाएगा क्योंकि जो शाहरुख खान है उनकी एक्टिंग काफ़ी सही थी इस मूवी के अंदर बहुत ही कमाल की एक्टिंग यहाँ पर की है इसके अलावा अनुष्का शर्मा ने भी यहाँ पर बहुत ही शानदार एक्टिंग की है दोनों ने यहाँ पर काफ़ी कमाल की एक्टिंग की है आप सभी को जब भी टाइम मिले इस कमाल की मूवी को चेकआउट कीजिए आप इस मूवी को आपकी पूरी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं हाल ही में शाहरुख खान की एक कमाल की मूवी आई थी जिसका नाम था पठान जिसने बहुत से रिकॉर्ड तोड़े जिन लोगों को लग रहा था कि ये मूवी फ्लॉप रही थी इनके लिए बड़ा जवाब था तो आज हम यहाँ पर एक और कमाल की जो मूवी है शाहरुख खान की उसी के बारे में बात करेंगे और ये जो मूवी है वो आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी और दोस्तों अगर ये मूवी आज रिलीज़ होती मतलब 2023 के अंदर इस मूवी को रिलीज़ किया जाता तो क्या ये मूवी ब्लॉकबस्टर रहती बहुत सारी जानकारी इस मूवी के बारे में आपको देने वाला हो साथ में ये मूवी हिंदी के अंदर कहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं मूवी का फुल रिव्यू यहाँ पर करूँगा साथ में इस मूवी के बारे में आप सभी को बहुत ही शानदार फैक्ट्स बताने वाला हो जो आपको पसंद ज़रूर आएंगे मूवी की अगर बात करें तो मूवी का नाम तो आप सभी को पता ही है रब ने बना दी जोड़ी मूवी को 2008 के अंदर रिलीज़ किया गया था और मूवी के अंदर आपको रोमांस देखने को मिलता है और मूवी का जो प्लॉट है वो काफ़ी सुंदर है काफ़ी कमाल का है जो आप सभी को पसंद ज़रूर आएगा चलिए हम बात करते हैं कि इस मूवी को हम देखना चाहते हो तो कहाँ पर देखने को मिलेंगी वैसे दोस्तों यशराज की जितनी भी मूवीज़ है वो हमें यूट्यूब पर तो मिल जाती है पर यूट्यूब पर देखने के लिए हमें कुछ पैसे देने पड़ते हैं तो इस मूवी को अगर आपको यूटूब पर देखना है तो लगभग आपको सेवेंटी फाइव रुपीज़ देने पड़ेंगे यूट्यूब को फिर आप इस मूवी को देख सकते हैं रेंट पर लेकर इसके अलावा मूवी जो है वो आपको एप्पल टी पर देखने को मिल जाएंगी और बहुत सारे थर्ड पार्टी साइट्स पर अवेलेबल है और टी पर ये मूवी अक्सर आती रहती है तो आप इस मूवी को टी पर भी देख सकते हैं काफ़ी सही मूवी है इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिए आपका दिल खुश हो जाएगा अगर हम बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में तो जो आई है वहाँ पर इस मूवी को टेन आउट ऑफ सेवन की रेटिंग मिली थी इसके अलावा इस मूवी को एट्टी लोगों ने लाइक्स दिया था मूवी को डायरेक्ट किया था आदित्य चोपड़ा ने जो कि एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर रहे थे इन्होंने काफ़ी अच्छी मूवीज़ पहले बनाई थी जो कि लोगों द्वारा काफ़ी पसंद भी की गई थी इनकी हम कुछ मूवीज़ के बारे में बात करें तो इनकी जो दोस्तों मूवीज थी वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी अच्छी रही थी तो इन्होंने पहले भी दिल वाले दुनिया ले जाएंगे मोहब्बत बेफिक्रे जैसी मूवीज़ के अंदर जो है वो काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है चलिए बात करते हैं आगे जो है हम इस मूवी के स्टारकास्ट के बारे में तो इस मूवी की वैसे तो मैन का आप सभी लोग जानते ही हो शाहरुख खान अनुष्का शर्मा तो यहाँ पर ये दो मैन काफ्ट है इसके अलावा आपको यहाँ पर प्रीति झिंडा विनय पाठक दीपा सुबासु अलंडी सोजा राजेश जेस विवन बटेना लारा दत्ता अरजीज घंटी अनुज टिक्कू ईशा कोपीकर एम के रहना रुसोद रहना अनिशा दलाल मनमीत सिंह रिचा पिलोड मार्क सकटो और भी यहाँ पर ढेर सारे कास्ट इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे जिनकी एक्टिंग काफ़ी कमाल का की है जो आप सभी को पसंद ज़रूर आएंगी तो अगर आप एक बेहद ही शानदार मूवी को देखना चाहते हैं जो फैमिली के साथ देखने लायक हो जिसका क्लाइमेक्स शॉकिंग हो तो इस मूवी को आप देख सकते हैं क्योंकि इस मूवी का क्लाइमैक्स आप सभी को हिला देगा वैसे तो आप सभी लोग जानते हो ही होगी बट जो मूवी की हीरोइन है वो इन सब के बारे में नहीं जानती होगी जब क्लाइमैक्स आएगा तब उसको मालूम पड़ता है कि ये तो बहुत ही बड़ा स्कैम हुआ मेरे साथ वो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप जब इस मूवी को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे आप सभी लोगों ने एक बात ज़रूर सुनी होगी कि हर इंसान के अंदर दो तरह के लोग होते हैं एक अच्छा एक बुरा तो मूवी की कहानी आप इसी तरह समझ लीजिए मूवी के अंदर जो मैन हीरो है यानी कि जो शाहरुख खान है वो यहाँ पर राज के रोल में है जो अनुष्का है वो यहाँ पर तनी के रोल में है दरअसल जो राज है वो ये पहले तो वो एकदम भैया जी टाइप लुक में घूमता है तनी तानी से मिलता है और उससे मतलब प्यार करता है मतलब वन साइड लव होता है उससे बातें करता रहता है बट वो उसे प्यार नहीं करती है क्योंकि वो देखने में भैया जी टाइप था अच्छा नहीं था और उसका लुक भी कुछ ठीक ठाक नहीं था फिर दूसरे सीन में यह मालूम पड़ता है कि जो राज है वो अच्छे कपड़े पहन के आता है चश्मा लगे के आता है एकदम प्रो बन के आता है फिर यहाँ पर जो ताने है उससे उसको प्यार हो जाता है दोनों पास आते आगे बढ़ते हैं कहानी आगे बढ़ती है फिर राज को मालूम पड़ जाता है कि दरअसल मेरे लुक में ही कमी थी पर राज उसको ये कभी नहीं बताता है कि जो पहला वो जो बंदा है भया जी टाइप वो मैं ही हूँ अब तानी भी ये बात नहीं जानती थी जैसे कहा कहानी आगे बढ़ती है इन दोनों के बीच में प्यार बढ़ता है फिर वो लुक चेंज होता रहता है कभी वो भया जी बन जाता है कभी अच्छा बन जाता है मतलब प्रो बन जाता है कभी नूब बन जाता है वैसे वो घूमता रहता है पर जब क्लाइमेक्स तक बात आती है तो तानी को भी शौक़ लगता है जब उसको पता चलता है बट इस मूवी से एक बात आपको ज़रूर सीखने को मिलेंगी कि अगर हमारे लुक अच्छा है तो भाई कुछ भी कभी भी क्या कुछ भी हो सकता है मतलब कि लोग आज भी लुक ही देखते हैं पर्सनैलिटी देखते हैं इंसान अंदर से कितना अच्छा है वो कभी कोई देखता ही नहीं है भाई भले लोग कहते हैं कि लोग आज शकल नहीं देखते वही नहीं देखते बट लोग शक्ल देखते हैं और अपना लुक देखते हैं पर्सनैलिटी देखते हैं फिर जज करते हैं बाकी वैसे जो पहले बंदा इस मूवी के अंदर दिखाया जाता है शाहरुख खान वो भी दिल का काफ़ी अच्छा होता है तो तब जो तने उससे प्यार उसको प्यार नहीं होता है अब जब बाद में उसको मालूम पड़ भी जाता है तब भी इतना फ़र्क तो नहीं पड़ेगा क्योंकि वो यहाँ पर आपको इस मूवी से बहुत ही बड़ी सीख मिलेंगी तो मूवी को एक बार ज़रूर देखिए अगर आप लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा ना तो आप सभी लोगों ने एक बहुत ही कमाल की मूवी को मिस किया है इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा आपको जब भी टाइम मिले इस मूवी को यूट्यूब पर देखिए रेंट पर लेकर देखिए इस मूवी को मूवी आपका जो सेवेंटी फाइव रुपीज़ है वो ज़रूर वसूल हो जाएगा इसके अलावा मूवी जो है वैसे उधर टी पर आती रहती है तो आप लोग जो है इस मूवी को टी पर भी देख सकते हैं क्योंकि टी पर तो आपको इस मूवी को देखने के लिए शायद कोई पैसे देने नहीं पड़ेंगे तो आप इस मूवी को टी पर भी देख सकते हैं काफ़ी कमाल की मूवी है इस मूवी के अंदर शाहरुख खान ने काफ़ी कमाल की एक्टिंग की है भाई मेरा तो भाई दिल खुश हो गया जब मैंने इस मूवी को देखा था और आपका भी दिल ज़रूर खुश हो जाएगा क्योंकि जो शाहरुख खान है उनकी एक्टिंग काफ़ी सही थी इस मूवी के अंदर बहुत ही कमाल की एक्टिंग यहाँ पर की है इसके अलावा अनुष्का शर्मा ने भी यहाँ पर बहुत ही शानदार एक्टिंग की है दोनों ने यहाँ पर काफ़ी कमाल की एक्टिंग की है आप सभी को जब भी टाइम मिले इस कमाल की मूवी को चेकआउट कीजिए आप इस मूवी को आपकी पूरी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं हाल ही में शाहरुख खान की एक कमाल की मूवी आई थी जिसका नाम था पठान जिसने बहुत से रेकॉर्ड तोड़े जिन लोगों को लग रहा था कि ये मूवी फ्लॉप रही थी इनके लिए बड़ा जवाब था तो आज हम यहाँ पर एक और कमाल की जो मूवी है शाहरुख खान की उसी के बारे में बात करेंगे और ये जो मूवी है वो आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी और दोस्तों अगर यह मूवी आज रिलीज़ होती मतलब 2023 के अंदर इस मूवी को रिलीज़ किया जाता तो क्या ये मूवी ब्लॉकबस्टर रहती बहुत सारी जानकारी इस मूवी के बारे में आपको देने वाला हो साथ में ये मूवी हिंदी के अंदर कहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं मूवी का फुल रिव्यू यहाँ पर करूँगा साथ में इस मूवी के बारे में आप सभी को बहुत ही शानदार फैक्ट्स बताने वाला हो जो आपको पसंद ज़रूर आएंगे मूवी की अगर बात करें तो, तो मूवी का नाम तो आप सभी को पता ही है रब ने बना दी जोड़ी मूवी को 2008 के अंदर रिलीज़ किया गया था और मूवी के अंदर आपको रोमांस देखने को मिलता है और मूवी का जो प्लॉट है वो काफ़ी सुंदर है काफ़ी कमाल का है जो आप सभी को पसंद ज़रूर आएगा चलिए हम बात करते हैं कि इस मूवी को हम देखना चाहते हो तो कहाँ पर देखने को मिलेंगी वैसे दोस्तों यशराज की जितनी भी मूवीज़ है वो हमें यूट्यूब पर तो मिल जाती है पर यूट्यूब पर देखने के लिए हमें कुछ पैसे देने पड़ते हैं तो इस मूवी को अगर आपको यूट्यूब पर देखना है तो लगभग आपको सेवेंटी फाइव रुपीज़ देने पड़ेंगे यूट्यूब को फिर आप इस मूवी को देख सकते हैं रेंट पर लेकर इसके अलावा मूवी जो है वो आपको एप्पल टी पर देखने को मिल जाएंगी और बहुत सारे थर्ड पार्टी साइट्स पर अवेलेबल है और टी पर यह मूवी अक्सर आती रहती है तो आप इस मूवी को टी पर भी देख सकते हैं काफ़ी सही मूवी है इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिए आपका दिल खुश हो जाएगा अगर हम बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में तो जो आई है वहाँ पर इस मूवी को टेन आउट ऑफ सेवन पॉइंट टू की रेटिंग मिली थी इसके अलावा इस मूवी को एट्टी फाइव परसेंट लोगों ने लाइक्स दिया था मूवी को डायरेक्ट किया था आदित्य चोपड़ा ने जो कि एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर रहे थे इन्होंने काफ़ी अच्छी मूवीज़ पहले बनाई थी जो कि लोगों द्वारा काफ़ी पसंद भी की गई थी इनकी हम कुछ मूवीज़ के बारे में बात करें तो इनकी जो दोस्तों मूवीज़ थी वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी अच्छी रही थी तो इन्होंने पहले भी दिल वाले दुनिया ले जाएंगे मोहब्बत बेफिक्रे जैसी मूवीज़ के अंदर जो है वो काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है चलिए बात करते हैं आगे जो है हम इस मूवी के स्टारकास्ट के बारे में तो इस मूवी की वैसे तो मैन स्टारकाफ्ट आप सभी लोग जानते ही हो शाहरुख खान अनुष्का शर्मा तो यहाँ पर ये दो मैन काफ्ट है इसके अलावा आपको यहाँ पर प्रीति झिंडा विनय पाठक पीपा सुबासु अलंडी सोजा राजेश जेस विवेन बटेना लारा दत्ता अरजीज घंटी अनुज टिक्कू ईशा कोपीकर एम के रहना रुसद रहना अनिशा दलाल मनमीत सिंह ऋचा पिलोड मार्क सकटो और भी यहाँ पर ढेर सारे कास्ट इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे जिनकी एक्टिंग काफ़ी कमाल का की है जो आप सभी को पसंद ज़रूर आएंगी तो अगर आप एक बेहद ही शानदार मूवी को देखना चाहते हैं जो फैमिली के साथ देखने लायक हो जिसका क्लाइमैक्स शॉकिंग हो तो इस मूवी को आप देख सकते हैं क्योंकि इस मूवी का क्लाइमैक्स आप सभी को हिला देगा वैसे तो आप सभी लोग जानते ही होगी बट जो मूवी की हीरोइन है वो इन सब के बारे में नहीं जानती होगी जब क्लाइमैक्स आएगा तब उसको मालूम पड़ता है कि ये तो बहुत ही बड़ा स्कैम हुआ मेरे साथ वो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप जब इस मूवी को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे आप सभी लोगों ने एक बात जरूर सुनी होगी कि हर इंसान के अंदर दो तरह के लोग होते हैं एक अच्छा एक बुरा तो मूवी की कहानी आप इसी तरह समझ लीजिए मूवी के अंदर जो मैन हीरो है यानी कि जो शाहरुख खान है वो यहाँ पर राज के रोल में है जो अनुष्का है वो यहाँ पर तनी के रोल में है दरअसल जो राज है वो पहले तो वो एकदम भैया जी टाप लुक में घूमता है तनी तानी से मिलता है और उससे मतलब प्यार करता है मतलब वन साइड लव होता है उससे बातें करता रहता है बट वो उसे प्यार नहीं करती है क्योंकि वो देखने में भैया जी टाइप था अच्छा नहीं था और उसका लुक भी कुछ ठीक ठाक नहीं था फिर दूसरे सीन में यह मालूम पड़ता है कि जो राज है वो अच्छे कपड़े पहन के आता है चश्मा लगे के आता है एकदम प्रो बन के आता है फिर यहाँ पर जो ताने है उससे उसको प्यार हो जाता है दोनों पास आते आगे बढ़ते हैं कहानी आगे बढ़ते हैं फिर राज को मालूम पड़ जाता है कि दरअसल मेरे लुक में ही कमी थी पर राज उसको ये कभी नहीं बताता है कि जो पहला वो जो बंदा है भया जी टाइप वो मैं ही हूँ अब तानी भी ये बात नहीं जानती थी जैसे कहाँ कहानी आगे बढ़ती है इन दोनों के बीच में प्यार बढ़ता है फिर वो लुक चेंज होता रहता है कभी वो भया जी बन जाता है कभी अच्छा बन जाता है मतलब प्रो बन जाता है कभी नूब बन जाता है वैसे वो घूमता रहता है पर जब क्लाइमेक्स तक बात आती है तो तानी को भी शौक लगता है जब उसको पता चलता है बट इस मूवी से एक बात आपको ज़रूर सीखने को मिलेंगी कि अगर हमारे लुक अच्छा हो तो भाई कुछ भी कभी भी क्या कुछ भी हो सकता है मतलब कि लोग आज भी लुक ही देखते हैं पर्सनैलिटी देखते हैं इंसान अंदर से कितना अच्छा है वो कभी कोई देखता ही नहीं है भाई भले लोग कहते हैं कि लोग आज शक्ल नहीं देखते नहीं देखते बट लोग शक्ल ही देखते हैं और अपना लुक देखते हैं पर्सनैलिटी देखते हैं फिर जज करते हैं बाकी वैसे जो पहले बंदा इस मूवी के अंदर दिखाया जाता है शाहरुख खान वो भी दिल का काफ़ी अच्छा होता है तो तब जो है उससे प्यार उसको प्यार नहीं होता है अब जब बाद में उसको मालूम पड़ भी जाता है तब भी इतना फ़र्क तो नहीं पड़ेगा क्योंकि वो यहाँ पर आपको इस मूवी से बहुत ही बड़ी सीख मिलेंगी तो मूवी को एक बार ज़रूर देखिए अगर आप लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा ना तो आप सभी लोगों ने एक बहुत ही कमाल की मूवी को मिस किया है इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा आपको जब भी टाइम मिले इस मूवी को यूट्यूब पर देखिए रेंट पर लेकर देखिए इस मूवी को मूवी आपका जो सेवेंटी फाइव रुपीज़ है वो ज़रूर वसल हो जाएगा इसके अलावा मूवी जो है वैसे टी टीवी पर आती रहती है तो आप लोग जो है इस मूवी को टी पर भी देख सकते हैं क्योंकि टी पर तो आपको इस मूवी को देखने के लिए शायद कोई पैसे देने नहीं पड़ेंगे तो आप इस मूवी को टी पर भी देख सकते हैं काफ़ी कमाल की मूवी है इस मूवी के अंदर शाहरुख खान ने काफ़ी कमाल की एक्टिंग की है भाई मेरा तो भाई दिल खुश हो गया जब मैंने इस मूवी को देखा था और आपका भी दिल ज़रूर खुश हो जाएगा क्योंकि जो शाहरुख खान है उनकी एक्टिंग काफ़ी सही थी इस मूवी के अंदर बहुत ही कमाल की एक्टिंग यहाँ पर की है इसके अलावा अनुष्का शर्मा ने भी यहाँ पर बहुत ही शानदार एक्टिंग की है दोनों ने यहाँ पर काफ़ी कमाल की एक्टिंग की है आप सभी को जब भी टाइम मिले इस कमाल की मूवी को चेकआउट कीजिए आप इस मूवी को आपकी पूरी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं हाल ही में शाहरुख खान की एक कमाल की मूवी आई थी जिसका नाम था पठान जिसने बहुत से रिकॉर्ड तोड़े जिन लोगों को लग रहा था कि यह मूवी फ्लॉप रही थी इनके लिए बड़ा जवाब था तो आज हम यहाँ पर एक और कमाल की जो मूवी है शाहरुख खान की उसी के बारे में बात करेंगे और ये जो मूवी है वो आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी और दोस्तों अगर यह मूवी आज रिलीज़ होती मतलब 2023 के अंदर इस मूवी को रिलीज़ किया जाता तो क्या यह मूवी ब्लॉकबस्टर रहती बहुत सारी जानकारी इस मूवी के बारे में आपको देने वाला हो साथ में ये मूवी हिंदी के अंदर कहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं मूवी का फुल रिव्यू यहाँ पर करूँगा साथ में इस मूवी के बारे में आप सभी को बहुत ही शानदार फैक्ट्स बताने वाला हो जो आपको पसंद ज़रूर आएंगे मूवी की अगर बात करें तो मूवी का नाम तो आप सभी को पता ही है रब ने बना दी जोड़ी मूवी को 2008 के अंदर रिलीज़ किया गया था और मूवी के अंदर आपको रोमांस देखने को मिलता है और मूवी का जो प्लॉट है वो काफ़ी सुंदर है काफ़ी कमाल का है जो आप सभी को पसंद ज़रूर आएगा चलिए हम बात करते हैं कि इस मूवी को हम देखना चाहते हो तो कहाँ पर देखने को मिलेंगी वैसे दोस्तों यशराज की जितनी भी मूवीज़ है वो हमें यूट्यूब पर तो मिल जाती है पर यूट्यूब पर देखने के लिए हमें कुछ पैसे देने पड़ते हैं तो इस मूवी को अगर आपको यूट्यूब पर देखना है तो लगभग आपको सेवेंटी फाइव रुपीज़ देने पड़ेंगे यूट्यूब को फिर आप इस मूवी को देख सकते हैं रेंट पर लेकर इसके अलावा मूवी जो है वो आपको एप्पल टी पर देखने को मिल जाएंगी और बहुत सारे थर्ड पार्टी साइट्स पर अवेलेबल है और टी पर ये मूवी अक्सर आती रहती है तो आप इस मूवी को टी पर भी देख सकते हैं काफ़ी सही मूवी है इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिए आपका दिल खुश हो जाएगा अगर हम बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में तो जो आई है वहाँ पर इस मूवी को टेन आउट ऑफ सेवन की रेटिंग मिली थी इसके अलावा इस मूवी को एट्टी लोगों ने लाइक्स दिया था मूवी को डायरेक्ट किया था आदित्य चोपड़ा ने जो कि एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर रहे थे इन्होंने काफ़ी अच्छी मूवीज़ पहले बनाई थी जो कि लोगों द्वारा काफ़ी पसंद भी की गई थी इनकी हम कुछ मूवीज़ के बारे में बात करें तो इनकी जो दोस्तों मूवीज़ थी वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी अच्छी रही थी तो इन्होंने पहले भी दिल वाले धुनिया ले जाएंगे मोहब्बत बेफिक्रे जैसी मूवीज़ के अंदर जो है वो काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है चलिए बात करते हैं आगे जो है हम इस मूवी के स्टारकास्ट के बारे में तो इस मूवी की वैसे तो मैन स्टारकाफ्ट आप सभी लोग जानते ही हो शाहरुख खान अनुष्का शर्मा तो यहाँ पर ये दो मैन काफ्ट है इसके अलावा आपको यहाँ पर प्रीति झिंडा विनय पाठक दीपा सुबासु अलंडी सोजा राजेश जेस विवन बटेना लारा दत्ता अरजीज गंडी अनुज टिक्कू ई ईशा कोपीकर एम के रहना रुसद रहना अनिशा दलाल मनमीत सिंह ऋचा पिलोड मार्क सकटो और भी यहाँ पर ढेर सारे कास्ट इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे जिनकी एक्टिंग काफ़ी कमाल का की है जो आप सभी को पसंद ज़रूर आएंगी तो अगर आप एक बेहद ही शानदार मूवी को देखना चाहते हैं जो फैमिली के साथ देखने लायक हो जिसका क्लाइमेक्स शॉकिंग हो तो इस मूवी को आप देख सकते हैं क्योंकि इस मूवी का क्लाइमैक्स आप सभी को हिला देगा वैसे तो आप सभी लोग जानते ही होगी बट जो मूवी की हीरोइन है वो इन सब के बारे में नहीं जानती होगी जब क्लाइमैक्स आएगा तब उसको मालूम पड़ता है कि ये तो बहुत ही बड़ा स्कैम हुआ मेरे साथ वो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप जब इस मूवी को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे आप सभी लोगों ने एक बात जरूर सुनी होगी कि हर इंसान के अंदर दो तरह के लोग होते हैं एक अच्छा एक बुरा तो मूवी की कहानी आप इसी तरह समझ लीजिए मूवी के अंदर जो मैन हीरो है यानी कि जो शाहरुख खान है वो यहाँ पर राज के रोल में है जो अनुष्का है वो यहाँ पर तनी के रोल में है दरअसल जो राज है वो ये पहले तो वो एकदम भैया जी टाप लुक में घूमता है तनी तनी से मिलता है और उससे मतलब प्यार करता है मतलब वन साइड लव होता है उससे बातें करता रहता है बट वो उसे प्यार नहीं करती है क्योंकि वो देखने में भैया जी टाइप था अच्छा नहीं था और उसका लुक भी कुछ ठीक ठाक नहीं था फिर दूसरे सीन में, में यह मालूम पड़ता है कि जो राज है वो अच्छे कपड़े पहन के आता है चश्मा लगे के आता है एकदम प्रो बन के आता है फिर यहाँ पर जो ताने है उससे उसको प्यार हो जाता है दोनों पास आते आगे बढ़ते हैं कहानी आगे बढ़ते हैं फिर राज को मालूम पड़ जाता है कि दरअसल मेरे लुक में ही कमी थी पर राज उसको ये कभी नहीं बताता है कि जो पहला वो जो बंदा है भाई जी टाइप वो मैं ही हूँ अब तानी भी ये बात नहीं जानती थी जैसे कहाँ कहानी आगे बढ़ती है इन दोनों के बीच में प्यार बढ़ता है फिर वो लुक चेंज होता रहता है कभी वो भया जी बन जाता है कभी अच्छा बन जाता है मतलब प्रो बन जाता है कभी नूब बन जाता है वैसे वो घूमता रहता है पर जब क्लाइमेक्स तक बात आती है तो तानी को भी शौक़ लगता है जब उसको पता चलता है बट इस मूवी से एक बात आपको ज़रूर सीखने को मिलेंगी कि अगर हमारे लुक अच्छा है तो भाई कुछ भी कभी भी क्या कुछ भी हो सकता है मतलब कि लोग आज भी लुक ही देखते हैं पर्सनैलिटी देखते हैं इंसान अंदर से कितना अच्छा है वो कभी कोई देखता ही नहीं है भाई भले लोग कहते हैं कि लोग आज शक्ल नहीं देखते नहीं देखते बट लोग शक्ल ही देखते हैं और अपना लुक देखते हैं पर्सनैलिटी देखते हैं फिर जज करते हैं बाकी वैसे जो पहले बंदा इस मूवी के अंदर दिखाया जाता है शाहरुख खान वो भी दिल का काफ़ी अच्छा होता है तो तब जो तने उससे प्यार उसको प्यार नहीं होता है अब जब बाद में उसको मालूम पड़ भी जाता है तब भी इतना फ़र्क तो नहीं पड़ेगा क्योंकि वो यहाँ पर आपको इस मूवी से बहुत ही बड़ी सीख मिलेंगी तो मूवी को एक बार ज़रूर देखिए अगर आप लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा ना तो आप सभी लोगों ने एक बहुत ही कमाल की मूवी को मिस किया है इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा आपको जब भी टाइम मिले इस मूवी को यूट्यूब पर देखिए रेंट पर लेकर देखिए इस मूवी को मूवी आपका जो सेवेंटी फाइव रुपीज़ है वो ज़रूर वसूल हो जाएगा इसके अलावा मूवी जो है वैसे टी वी पर आती रहती है तो आप लोग जो है इस मूवी को टी वी पर भी देख सकते हैं क्योंकि टी वी पर तो आपको इस मूवी को देखने के लिए शायद कोई पैसे देने नहीं पड़ेंगे तो आप इस मूवी को टी वी पर भी देख सकते हैं काफ़ी कमाल की मूवी है इस मूवी के अंदर शाहरुख खान ने काफ़ी कमाल की एक्टिंग की है भाई मेरा तो भाई दिल खुश हो गया जब मैंने इस मूवी को देखा था और आपका भी दिल ज़रूर खुश हो जाएगा क्योंकि जो शाहरुख खान है उनकी एक्टिंग काफ़ी सही थी इस मूवी के अंदर बहुत ही कमाल की एक्टिंग यहाँ पर की है इसके अलावा अनुष्का शर्मा ने भी यहाँ पर बहुत ही शानदार एक्टिंग की है दोनों ने यहाँ पर काफ़ी कमाल की एक्टिंग की है आप सभी को जब भी टाइम मिले इस कमाल की मूवी को चेकआउट कीजिए आप इस मूवी को आपकी पूरी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं हाल ही में शाहरुख खान की एक कमाल की मूवी आई थी जिसका नाम था पठान जिसने बहुत से रिकॉर्ड तोड़े जिन लोगों को लग रहा था कि यह मूवी फ्लॉप रही थी इनके लिए बड़ा जवाब था तो आज हम यहाँ पर एक और कमाल की जो मूवी है शाहरुख खान की उसी के बारे में बात करेंगे और ये जो मूवी है वो आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी और दोस्तों अगर ये मूवी आज रिलीज़ होती मतलब 2023 के अंदर इस मूवी को रिलीज़ किया जाता तो क्या यह मूवी ब्लॉकबस्टर रहती बहुत सारी जानकारी इस मूवी के बारे में आपको देने वाला हो साथ में ये मूवी हिंदी के अंदर कहाँ पर आपको देखने को, देखने को मिलने वाली है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं मूवी का फुल रिव्यू यहाँ पर करूँगा साथ में इस मूवी के बारे में आप सभी को बहुत ही शानदार फैक्ट्स बताने वाला हो जो आपको पसंद ज़रूर आएंगे मूवी की अगर बात करें तो मूवी का नाम तो आप सभी को पता ही है रब ने बना दी जोड़ी मूवी को 2008 के अंदर रिलीज़ किया गया था और मूवी के अंदर आपको रोमांस देखने को मिलता है और मूवी का जो प्लॉट है वो काफ़ी सुंदर है काफ़ी कमाल का है जो आप सभी को पसंद ज़रूर आएगा चलिए हम बात करते हैं कि इस मूवी को हम देखना चाहते हो तो कहाँ पर देखने को मिलेंगी वैसे दोस्तों यशराज की जितनी भी मूवीज़ है वो हमें यूट्यूब पर तो मिल जाती है पर यूट्यूब पर देखने के लिए हमें कुछ पैसे देने पड़ते हैं तो इस मूवी को अगर आपको यूट्यूब पर देखना है तो लगभग आपको सेवेंटी फाइव रुपीज़ देने पड़ेंगे यूट्यूब को फिर आप इस मूवी को देख सकते हैं रेंट पर लेकर इसके अलावा मूवी जो है वो आपको एप्पल टी पर देखने को मिल जाएंगी और बहुत सारे थर्ड पार्टी साइट्स पर अवेलेबल है और टी पर यह मूवी अक्सर आती रहती है तो आप इस मूवी को टी पर भी देख सकते हैं काफ़ी सही मूवी है इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिए आपका दिल खुश हो जाएगा अगर हम बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में तो जो आई है वहाँ पर इस मूवी को टेन आउट ऑफ सेवन पॉइंट टू की रेटिंग मिली थी इसके अलावा इस मूवी को एट्टी फाइव परसेंट लोगों ने लाइक्स दिया था मूवी को डायरेक्ट किया था आदित्य चोपड़ा ने जो कि एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर रहे थे इन्होंने काफ़ी अच्छी मूवीज़ पहले बनाई थी जो कि लोगों द्वारा काफ़ी पसंद भी की गई थी इनकी हम कुछ मूवीज़ के बारे में बात करें तो इनकी जो दोस्तों मूवीज़ थी वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी अच्छी रही थी तो इन्होंने पहले भी दिल वाले धुनिया ले जाएंगे मोहब्बत बेफिक्रे जैसी मूवीज़ के अंदर जो है वो काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है चलिए बात करते हैं आगे जो है हम इस मूवी के स्टारकास्ट के बारे में तो इस मूवी की वैसे तो मैन स्टारकाफ्ट आप सभी लोग जानते ही हो शाहरुख खान अनुष्का शर्मा तो यहाँ पर ये दो मैन काफ्ट है इसके अलावा आपको यहाँ पर प्रीति झिंदा विनय पाठक दीपा सुबासु अलंडी सोजा राजेश जेस विवन बटेना लारा दत्ता अरजीज गंडी अनुज टिक्कू ई ईशा कोपीकर एम के रहना रुसद रहना अनिशा दलाल मनमीत सिंह ऋचा पिलोड मार्क सक्टो और भी यहाँ पर ढेर सारे कास्ट इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे जिनकी एक्टिंग काफ़ी कमाल का की है जो आप सभी को पसंद ज़रूर आएंगी तो अगर आप एक बेहद ही शानदार मूवी को देखना चाहते हैं जो फैमिली के साथ देखने लायक हो जिसका क्लाइमैक्स शॉकिंग हो तो इस मूवी को आप देख सकते हैं क्योंकि इस मूवी का क्लाइमैक्स आप सभी को हिला देगा वैसे तो आप सभी लोग जानते होंगे बट जो मूवी की हीरोइन है वो इन सब के बारे में नहीं जानती होगी जब क्लाइमैक्स आएगा तब उसको मालूम पड़ता है कि ये तो बहुत ही बड़ा स्कैम हुआ मेरे साथ वो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप जब इस मूवी को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे आप सभी लोगों ने एक बात ज़रूर सुनी होगी कि हर इंसान के अंदर दो तरह के लोग होते हैं एक अच्छा एक बुरा तो मूवी की कहानी आप इसी तरह समझ लीजिए मूवी के अंदर जो मैन हीरो है यानी कि जो शाहरुख खान है वो यहाँ पर राज के रोल में है जो अनुष्का है वो यहाँ पर तनी के रोल में है दरअसल जो राज है वो पहले तो वो एकदम भैया जी टाप लुक में घूमता है तनी तनी से मिलता है और उससे मतलब प्यार करता है मतलब वन साइड लव होता है उससे बातें करता रहता है बट वो उससे प्यार नहीं करती है क्योंकि वो देखने में भैया जी टाइप था अच्छा नहीं था और उसका लुक भी कुछ ठीक ठाक नहीं था फिर दूसरे सिनेमा में, में यह मालूम पड़ता है कि जो राज है वो अच्छे कपड़े पहन के आता है चश्मा लगे के आता है एकदम प्रो बन के आता है फिर यहाँ पर जो ताने है उससे उसको प्यार हो जाता है दोनों पास आते आगे बढ़ते हैं कहानी आगे बढ़ती है फिर राज को मालूम पड़ जाता है कि दरअसल मेरे लुक में ही कमी थी पर राज उसको ये कभी नहीं बताता है कि जो पहला वो जो बंदा है भया जी टाइप वो मैं ही हूँ अब तानी भी ये बात नहीं जानती थी जैसे कहा कहानी आगे बढ़ती है इन दोनों के बीच में प्यार बढ़ता है फिर वो लुक चेंज होता रहता है कभी वो भया जी बन जाता है कभी अच्छा बन जाता है मतलब प्रो बन जाता है कभी नूप बन जाता है वैसे वो घूमता रहता है पर जब क्लाइमेक्स तक बात आती है तो तानी को भी शौक़ लगता है जब उसको पता चलता है बट इस मूवी से एक बात आपको जरूर सीखने को मिलेंगी कि अगर हमारे लुक अच्छा है तो भाई कुछ भी कभी भी क्या कुछ भी हो सकता है मतलब कि लोग आज भी लुक ही देखते हैं पर्सनैलिटी देखते हैं इंसान अंदर से कितना अच्छा है वो कभी कोई देखता ही नहीं है भाई भले लोग कहते हैं कि लोग आज शक्ल नहीं देखते नहीं देखते बट लोग शक्ल ही देखते हैं और अपना लुक देखते हैं पर्सनलिटी देखते हैं फिर जज करते हैं बाकी वैसे जो पहले बंदा इस मूवी के अंदर दिखाया जाता है शाहरुख खान वो भी दिल का काफ़ी अच्छा होता है तो तब जो तने उससे प्यार उसको प्यार नहीं होता है अब जब बाद में उसको मालूम पड़ भी जाता है तब भी इतना फ़र्क तो नहीं पड़ेगा क्योंकि वो यहाँ पर आपको इस मूवी से बहुत ही बड़ी सीख मिलेंगी तो मूवी को एक बार ज़रूर देखिए अगर आप लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा ना तो आप सभी लोगों ने एक बहुत ही कमाल की मूवी को मिस किया है इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा आपको जब भी टाइम मिले इस मूवी को यूट्यूब पर देखिए रेंट पर लेकर देखिए इस मूवी को मूवी आपका जो सेवेंटी फाइव रुपीज़ है वो ज़रूर वसूल हो जाएगा इसके अलावा मूवी जो है वैसे टी टीवी पर आती रहती है तो आप लोग जो है इस मूवी को टी पर भी देख सकते हैं क्योंकि टी पर तो आपको इस मूवी को देखने के लिए शायद कोई पैसे देने नहीं पड़ेंगे तो आप इस मूवी को टी पर भी देख सकते हैं काफ़ी कमाल की मूवी है इस मूवी के अंदर शाहरुख खान ने काफ़ी कमाल की एक्टिंग की है भाई मेरा तो भाई दिल खुश हो गया जब मैंने इस मूवी को देखा था और आपका भी दिल ज़रूर खुश हो जाएगा क्योंकि जो शाहरुख खान है उनकी एक्टिंग काफ़ी सही थी इस मूवी के अंदर बहुत ही कमाल की एक्टिंग यहाँ पर की है इसके अलावा अनुष्का शर्मा ने भी यहाँ पर बहुत ही शानदार एक्टिंग की है दोनों ने यहाँ पर काफ़ी कमाल की एक्टिंग की है आप सभी को जब भी टाइम मिले इस कमाल की मूवी को चेकआउट कीजिए आप इस मूवी को आपकी पूरी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं हाल ही में शाहरुख खान की एक कमाल की मूवी आई थी जिसका नाम था पठान जिसने बहुत से रिकॉर्ड तोड़े जिन लोगों को लग रहा था कि ये मूवी फ्लॉप रही थी इनके लिए बड़ा जवाब था तो आज हम यहाँ पर एक और कमाल की जो मूवी है शाहरुख खान की उसी के बारे में बात करेंगे और ये जो मूवी है वो आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी और दोस्तों अगर ये मूवी आज रिलीज़ होती मतलब 2023 के अंदर इस मूवी को रिलीज़ किया जाता तो क्या ये मूवी ब्लॉकबस्टर रहती बहुत सारी जानकारी इस मूवी के बारे में आपको देने वाला हो साथ में ये मूवी हिंदी के अंदर कहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं मूवी का फुल रिव्यू यहाँ पर करूँगा साथ में इस मूवी के बारे में आप सभी को बहुत ही शानदार फैक्ट्स बताने वाला हो जो आपको पसंद ज़रूर आएंगे मूवी की अगर बात करें तो मूवी का नाम तो आप सभी को पता ही है रब ने बना दी जोड़ी मूवी को 2008 के अंदर रिलीज़ किया गया था और मूवी के अंदर आपको रोमांस देखने को मिलता है और मूवी का जो प्लॉट है वो काफ़ी सुंदर है काफ़ी कमाल का है जो आप सभी को पसंद ज़रूर आएगा चलिए हम बात करते हैं कि इस मूवी को हम देखना चाहते हो तो कहाँ पर देखने को मिलेंगी वैसे दोस्तों यशराज की जितनी भी मूवीज़ है वो हमें यूटूब पर तो मिल जाती है पर यूटूब पर देखने के लिए हमें कुछ पैसे देने पड़ते हैं तो इस मूवी को अगर आपको यूट्यूब पर देखना है तो लगभग आपको सेवेंटी फाइव रुपीज़ देने पड़ेंगे यूट्यूब को फिर आप इस मूवी को देख सकते हैं रेंट पर लेकर इसके अलावा मूवी जो है वो आपको एप्पल टी पर देखने को मिल जाएंगी और बहुत सारे थर्ड पार्टी साइट्स पर अवेलेबल है और टी पर यह मूवी अक्सर आती रहती है तो आप इस मूवी को टी पर भी देख सकते हैं काफ़ी सही मूवी है इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिए आपका दिल खुश हो जाएगा अगर हम बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में तो जो आई है वहाँ पर इस मूवी को टेन आउट ऑफ सेवन पॉइंट टू की रेटिंग मिली थी इसके अलावा इस मूवी को एट्टी फाइव परसेंट लोगों ने लाइक्स दिया था मूवी को डायरेक्ट किया था आदित्य चोपड़ा ने जो कि एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर रहे थे इन्होंने काफ़ी अच्छी मूवीज़ पहले बनाई थी जो कि लोगों द्वारा काफ़ी पसंद भी की गई थी इनकी हम कुछ मूवीज़ के बारे में बात करें तो इनकी जो दोस्तों मूवीज़ थी वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी अच्छी रही थी तो इन्होंने पहले भी दिल वाले दुनिया ले जाएंगे मोहब्बत बेफिक्रे जैसी मूवीज़ के अंदर जो है वो काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है चलिए बात करते हैं आगे जो है हम इस मूवी के स्टारकास्ट के बारे में तो इस मूवी की वैसे तो मैन स्टारकाफ्ट आप सभी लोग जानते ही हो शाहरुख खान अनुष्का शर्मा तो यहाँ पर ये दो मैन काफ्ट है। इसके अलावा आपको यहाँ पर प्रीति झिंडा विनय पाठक दीपा सुबासु अलंडी सोजा राजेश जेस विभन बटेना लारा दत्ता अरजीज घंटी अनुज टिक्कू ईशा कोपीकर एम के रहना रुसोद रहना अनिशा दलाल मनमीत सिंह रिचा पिलोड मार्क सक्टो और भी यहाँ पर ढेर सारे कास्ट इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे जिनकी एक्टिंग काफ़ी कमाल का की है जो आप सभी को पसंद ज़रूर आएंगी तो अगर आप एक बेहद ही शानदार मूवी को देखना चाहते हैं जो फैमिली के साथ देखने लायक हो जिसका क्लाइमेक्स शॉकिंग हो तो इस मूवी को आप देख सकते हैं क्योंकि इस मूवी का क्लाइमैक्स आप सभी को हिला देगा वैसे तो आप सभी लोग जानते हो गए बट जो मूवी की हीरोइन है वो इन सब के बारे में नहीं जानती होगी जब क्लाइमैक्स आएगा तब उसको मालूम पड़ता है कि ये तो बहुत ही बड़ा स्कैम हुआ मेरे साथ वो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप जब इस मूवी को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे आप सभी लोगों ने एक बात ज़रूर सुनी होगी कि हर इंसान के अंदर दो तरह के लोग होते हैं एक अच्छा एक बुरा तो मूवी की कहानी आप इसी तरह समझ लीजिए मूवी के अंदर जो मैन हीरो है यानी कि जो शाहरुख खान है वो यहाँ पर राज के रोल में है जो अनुष्का है वो यहाँ पर तनी के रोल में है दरअसल जो राज है वो पहले तो वो एकदम भैया जी टाप लुक में घूमता है तनी तानी से मिलता है और उससे मतलब प्यार करता है मतलब वन साइड लव होता है उससे बातें करता रहता है बट वो उससे प्यार नहीं करती है क्योंकि वो देखने में भैया भयाची टाइप था अच्छा नहीं था और उसका लुक भी कुछ ठीक ठाक नहीं था फिर दूसरे सीन में हमें यह मालूम पड़ता है कि जो राज है वो अच्छे कपड़े पहन के आता है चश्मा लगे के आता है एकदम प्रो बन के आता है फिर यहाँ पर जो ताने है उससे उसको प्यार हो जाता है दोनों पास हाथे आगे बढ़ते हैं कहानी आगे बढ़ती है फिर राज को मालूम पड़ जाता है कि दरअसल मेरे लुक में ही कमी थी पर राज उसको ये कभी नहीं बताता है कि जो पहला वो जो बंदा है भाई जी टाइप वो मैं ही हूँ अब तानी भी ये बात नहीं जानती थी जैसे कहा कहानी आगे बढ़ती है इन दोनों के बीच में प्यार बढ़ता है फिर वो लुक चेंज होता रहता है कभी वो भया जी बन जाता है कभी अच्छा बन जाता है मतलब प्रो बन जाता है कभी नूब बन जाता है वैसे वो घूमता रहता है पर जब क्लाइमेक्स तक बात आती है तो तानी को भी शौक़ लगता है जब उसको पता चलता है बट इस मूवी से एक बात आपको जरूर सीखने को मिलेंगी कि अगर हमारे लुक अच्छा हो तो भाई कुछ भी कभी भी क्या कुछ भी हो सकता है मतलब कि लोग आज भी लुक ही देखते हैं पर्सनैलिटी देखते हैं इंसान अंदर से कितना अच्छा है वो कभी कोई देखता ही नहीं है भाई भले लोग कहते हैं कि लोग आज शक्ल नहीं देखते नहीं देखते बट लोग शक्ल ही देखते हैं और अपना लुक देखते हैं पर्सनैलिटी देखते हैं फिर जज करते हैं बाकी वैसे जो पहले बंदा इस मूवी के अंदर दिखाया जाता है शाहरुख खान वो भी दिल का काफ़ी अच्छा होता है तो तब जो तने उससे प्यार उसको प्यार नहीं होता है अब जब बाद में उसको मालूम पड़ भी जाता है तब भी इतना फ़र्क तो नहीं पड़ेगा क्योंकि वो यहाँ पर आपको इस मूवी से बहुत ही बड़ी सीख मिलेंगी तो मूवी को एक बार ज़रूर देखिए अगर आप लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा ना तो आप सभी लोगों ने एक बहुत ही कमाल की मूवी को मिस किया है इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा आपको जब भी टाइम मिले इस मूवी को यूट्यूब पर देखिए रेंट पर लेकर देखिए इस मूवी को मूवी आपका जो सेवेंटी फाइव रुपीज़ है वो ज़रूर वसूल हो जाएगा इसके अलावा मूवी जो है वैसे उधर टी पर आती रहती है तो आप लोग जो है इस मूवी को टी पर भी देख सकते हैं क्योंकि टी पर तो आपको इस मूवी को देखने के लिए शायद कोई पैसे देने नहीं पड़ेंगे तो आप इस मूवी को टी पर भी देख सकते हैं काफ़ी कमाल की मूवी है इस मूवी के अंदर शाहरुख खान ने काफ़ी कमाल की एक्टिंग की है भाई मेरा तो भाई दिल खुश हो गया जब मैंने इस मूवी को देखा था और आपका भी दिल ज़रूर खुश हो जाएगा क्योंकि जो शाहरुख खान है उनकी एक्टिंग काफ़ी सही थी इस मूवी के अंदर बहुत ही कमाल की एक्टिंग यहाँ पर की है इसके अलावा अनुष्का शर्मा ने भी यहाँ पर बहुत ही शानदार एक्टिंग की है दोनों ने यहाँ पर काफ़ी कमाल की एक्टिंग की है आप सभी को जब भी टाइम मिले इस कमाल की मूवी को चेकआउट कीजिए आप इस मूवी को आपकी पूरी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं हाल ही में शाहरुख खान की एक कमाल की मूवी आई थी जिसका नाम था पठान जिसने बहुत से रिकॉर्ड तोड़े जिन लोगों को लग रहा था कि ये मूवी फ्लॉप रही थी इनके लिए बड़ा जवाब था तो आज हम यहाँ पर एक और कमाल की जो मूवी है शाहरुख खान की उसी के बारे में बात करेंगे और ये जो मूवी है वो आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी और दोस्तों अगर ये मूवी आज रिलीज़ होती मतलब 2023 के अंदर इस मूवी को रिलीज़ किया जाता तो क्या ये मूवी ब्लॉकबस्टर रहती बहुत सारी जानकारी इस मूवी के बारे में आपको देने वाला हो साथ में ये मूवी हिंदी के अंदर कहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं मूवी का फुल रिव्यू यहाँ पर करूँगा साथ में इस मूवी के बारे में आप सभी को बहुत ही शानदार फैक्ट्स बताने वाला हो जो आपको पसंद ज़रूर आएंगे मूवी की अगर बात करें तो मूवी का नाम तो आप सभी को पता ही है रब ने बना दी जोड़ी मूवी को 2008 के अंदर रिलीज़ किया गया था और मूवी के अंदर आपको रोमांस देखने को मिलता है और मूवी का जो प्लॉट है वो काफ़ी सुंदर है काफ़ी कमाल का है जो आप सभी को पसंद ज़रूर आएगा चलिए हम बात करते हैं कि इस मूवी को हम देखना चाहते हो तो कहाँ पर देखने को मिलेंगी वैसे दोस्तों यशराज की जितनी भी मूवीज़ है वो हमें यूट्यूब पर तो मिल जाती है पर यूट्यूब पर देखने के लिए हमें कुछ पैसे देने पड़ते हैं तो इस मूवी को अगर आपको यूट्यूब पर देखना है तो लगभग आपको सेवेंटी फाइव रुपीज़ देने पड़ेंगे यूट्यूब को फिर आप इस मूवी को देख सकते हैं रेंट पर लेकर इसके अलावा मूवी जो है वो आपको एप्पल टी पर देखने को मिल जाएंगी और बहुत सारे थर्ड पार्टी साइट्स पर अवेलेबल है और टी पर ये मूवी अक्सर आती रहती है तो आप इस मूवी को टी पर भी देख सकते हैं काफ़ी सही मूवी है इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिए आपका दिल खुश हो जाएगा अगर हम बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में तो जो आई है वहाँ पर इस मूवी को टेन आउट ऑफ सेवन की रेटिंग मिली थी इसके अलावा इस मूवी को एट्टी लोगों ने लाइक्स दिया था मूवी को डायरेक्ट किया था आदित्य चोपड़ा ने जो कि एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर रहे थे इन्होंने काफ़ी अच्छी मूवीज़ पहले बनाई थी जो कि लोगों द्वारा काफ़ी पसंद भी की गई थी इनकी हम कुछ मूवीज़ के बारे में बात करें तो इनकी जो दोस्तों मूवीज़ थी वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी अच्छी रही थी तो इन्होंने पहले भी दिल वाले दुनिया ले जाएंगे मोहब्बत बेफिक्रे जैसी मूवीज़ के अंदर जो है वो काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है चलिए बात करते हैं आगे जो है हम इस मूवी के स्टारकास्ट के बारे में तो इस मूवी की वैसे तो मैन स्टारकाफ्ट आप सभी लोग जानते ही हो शाहरुख खान अनुष्का शर्मा तो यहाँ पर ये दो मैन काफ्ट है इसके अलावा आपको यहाँ पर प्रीति झिंडा विनय पाठक दीपा सुबासु अलंडी सोजा राजेश जेस विवेन बटेना लारा दत्ता अरजीज गंडी अनुज टिक्कू ईशा कोपीकर एम के रहना रुसोद रहना अनिशा दलाल मनमीत सिंह रिचा पिलोड मार्क सक्तो और भी यहाँ पर ढेर सारे कास्ट इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे जिनकी एक्टिंग काफ़ी कमाल का की है जो आप सभी को पसंद ज़रूर आएंगी तो अगर आप एक बेहद ही शानदार मूवी को देखना चाहते हैं जो फैमिली के साथ देखने लायक हो जिसका क्लाइमैक्स शॉकिंग हो तो इस मूवी को आप देख सकते हैं क्योंकि इस मूवी का क्लाइमैक्स आप सभी को हिला देगा वैसे तो आप सभी लोग जानते हो गए बट जो मूवी की हीरोइन है वो इन सब के बारे में नहीं जानती होगी जब क्लाइमैक्स आएगा तब उसको मालूम पड़ता है कि ये तो बहुत ही बड़ा स्कैम हुआ मेरे साथ वो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप जब इस मूवी को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे आप सभी लोगों ने एक बात ज़रूर सुनी होगी कि हर इंसान के अंदर दो तरह के लोग होते हैं एक अच्छा एक बुरा तो मूवी की कहानी आप इसी तरह समझ लीजिए मूवी के अंदर जो मैन हीरो है यानी कि जो शाहरुख खान है वो यहाँ पर राज के रोल में है जो अनुष्का है वो यहाँ पर तनी के रोल में है दरअसल जो राज है वो ये पहले तो वो एकदम भैया जी टाइप लुक में घूमता है तनी तानी से मिलता है और उससे मतलब प्यार करता है मतलब वन साइड लव होता है उससे बातें करता रहता है बट वो उसे प्यार नहीं करती है क्योंकि वो देखने में भैया जी टाइप था अच्छा नहीं था और उसका लुक भी कुछ ठीक ठाक नहीं था फिर दूसरे सीन में हमें यह मालूम पड़ता है कि जो राज है वो अच्छे कपड़े पहन के आता है चश्मा लगे के आता है एकदम प्रो बन के आता है फिर यहाँ पर जो ताने है उससे उसको प्यार हो जाता है दोनों पास आते आगे बढ़ते हैं कहानी आगे बढ़ती है फिर राज को मालूम पड़ जाता है कि दरअसल मेरे लुक में ही कमी थी पर राज उसको ये कभी नहीं बताता है कि जो पहला वो जो बंदा है भाई जी टाइप वो मैं ही हूँ अब तानी भी ये बात नहीं जानती थी जैसे कहा कहानी आगे बढ़ती है इन दोनों के बीच में प्यार बढ़ता है फिर वो लुक चेंज होता रहता है कभी वो भया जी बन जाता है कभी अच्छा बन जाता है मतलब प्रो बन जाता है कभी नूब बन जाता है वैसे वो घूमता रहता है पर जब क्लाइमेक्स तक बात आती है तो तानी को भी शौक़ लगता है जब उसको पता चलता है बट इस मूवी से एक बात आपको ज़रूर सीखने को मिलेंगी कि अगर हमारे लुक अच्छा हो तो भाई कुछ भी कभी भी क्या कुछ भी हो सकता है मतलब कि लोग आज भी लुक ही देखते हैं पर्सनैलिटी देखते हैं इंसान अंदर से कितना अच्छा है वो कभी कोई देखता ही नहीं है भाई भले लोग कहते हैं कि लोग आज शक्ल नहीं देखते वही नहीं देखते बट लोग शक्ल ही देखते हैं और अपना लुक देखते हैं पर्सनैलिटी देखते हैं फिर जज करते हैं बाकी वैसे जो पहले बंदा इस मूवी के अंदर दिखाया जाता है शाहरुख खान वो भी दिल का काफ़ी अच्छा होता है तो तब जो तने उससे प्यार उसको प्यार नहीं होता है अब जब बाद में उसको मालूम पड़ भी जाता है तब भी इतना फ़र्क तो नहीं पड़ेगा क्योंकि वो यहाँ पर आपको इस मूवी से बहुत ही बड़ी सीख मिलेंगी तो मूवी को एक बार ज़रूर देखिए अगर आप लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा ना तो आप सभी लोगों ने एक बहुत ही कमाल की मूवी को मिस किया है इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा आपको जब भी टाइम मिले इस मूवी को यूट्यूब पर देखिए रेंट पर लेकर देखिए इस मूवी को मूवी आपका जो सेवेंटी फाइव रुपीज़ है वो ज़रूर वसूल हो जाएगा इसके अलावा मूवी जो है वैसे टी वी पर आती रहती है तो आप लोग जो है इस मूवी को टी वी पर भी देख सकते हैं क्योंकि टी वी पर तो आपको इस मूवी को देखने के लिए शायद कोई पैसे देने नहीं पड़ेंगे तो आप इस मूवी को टी वी पर भी देख सकते हैं काफ़ी कमाल की मूवी है इस मूवी के अंदर शाहरुख खान ने काफ़ी कमाल की एक्टिंग की है भाई मेरा तो भाई दिल खुश हो गया जब मैंने इस मूवी को देखा था और आपका भी दिल ज़रूर खुश हो जाएगा क्योंकि जो शाहरुख खान है उनकी एक्टिंग काफ़ी सही थी इस मूवी के अंदर बहुत ही कमाल की एक्टिंग यहाँ पर की है इसके अलावा अनुष्का शर्मा ने भी यहाँ पर बहुत ही शानदार एक्टिंग की है दोनों ने यहाँ पर काफ़ी कमाल की एक्टिंग की है आप सभी को जब भी टाइम मिले इस कमाल की मूवी को चेकआउट कीजिए आप इस मूवी को आपकी पूरी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं हाल ही में शाहरुख खान की एक कमाल की मूवी आई थी जिसका नाम था पठान जिसने बहुत से रेकॉर्ड तोड़े जिन लोगों को लग रहा था कि ये मूवी फ्लॉप रही थी इनके लिए बड़ा जवाब था तो आज हम यहाँ पर एक और कमाल की जो मूवी है शाहरुख खान की उसी के बारे में बात करेंगे और ये जो मूवी है वो आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी और दोस्तों अगर यह मूवी आज रिलीज़ होती मतलब 2023 के अंदर इस मूवी को रिलीज़ किया जाता तो क्या यह मूवी ब्लॉकबस्टर रहती बहुत सारी जानकारी इस मूवी के बारे में आपको देने वाला हो साथ में ये मूवी हिंदी के अंदर कहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं मूवी का फुल रिव्यू यहाँ पर करूँगा साथ में इस मूवी के बारे में आप सभी को बहुत ही शानदार फैक्ट्स बताने वाला हो जो आपको पसंद ज़रूर आएंगे मूवी की अगर बात करें तो मूवी का नाम तो आप सभी को पता ही है रब ने बना दी जोड़ी मूवी को 2008 के अंदर रिलीज़ किया गया था और मूवी के अंदर आपको रोमांस देखने को मिलता है और मूवी का जो प्लॉट है वो काफ़ी सुंदर है काफ़ी कमाल का है जो आप सभी को पसंद ज़रूर आएगा चलिए हम बात करते हैं कि इस मूवी को हम देखना चाहते हो तो कहाँ पर देखने को मिलेंगी वैसे दोस्तों यशराज की जितनी भी मूवीज़ है वो हमें यूट्यूब पर तो मिल जाती है पर यूट्यूब पर देखने के लिए हमें कुछ पैसे देने पड़ते हैं तो इस मूवी को अगर आपको यूट्यूब पर देखना है तो लगभग आपको सेवेंटी फाइव रुपीज़ देने पड़ेंगे यूट्यूब को फिर आप इस मूवी को देख सकते हैं रेंट पर लेकर इसके अलावा मूवी जो है वो आपको एप्पल टी पर देखने को मिल जाएंगी और बहुत सारे थर्ड पार्टी साइट्स पर अवेलेबल है और टी पर यह मूवी अक्सर आती रहती है तो आप इस मूवी को टी पर भी देख सकते हैं काफ़ी सही मूवी है इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिए आपका दिल खुश हो जाएगा अगर हम बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में तो जो आई है वहाँ पर इस मूवी को टेन आउट ऑफ सेवन की रेटिंग मिली थी इसके अलावा इस मूवी को एट्टी लोगों ने लाइक्स दिया था मूवी को डायरेक्ट किया था आदित्य चोपड़ा ने जो कि एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर रहे थे इन्होंने काफ़ी अच्छी मूवीज़ पहले बनाई थी जो कि लोगों द्वारा काफ़ी पसंद भी की गई थी इनकी हम कुछ मूवीज़ के बारे में बात करें तो इनकी जो दोस्तों मूवीज़ थी वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी अच्छी रही थी तो इन्होंने पहले भी दिल वाले दुनिया ले जाएंगे मोहब्बत बेफिक्रे जैसी मूवीज़ के अंदर जो है वो काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है चलिए बात करते हैं आगे जो है हम इस मूवी के स्टारकास्ट के बारे में तो इस मूवी की वैसे तो मैन स्टारकाफ्ट आप सभी लोग जानते ही हो शाहरुख खान अनुष्का शर्मा तो यहाँ पर ये दो मैन काफ्ट है इसके अलावा आपको यहाँ पर प्रीति झिंडा विनय पाठक दीपा सुबासु अलंडी सोजा राजेश जेस विवन बटेना लारा दत्ता अरजीज गंडी अनुज टिक्कू ईशा कोपीकर एम के रहना रुसद रहना अनिशा दलाल मनमीत सिंह ऋचा पिलोड मार्क सक्टो और भी यहाँ पर ढेर सारे कास्ट इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे जिनकी एक्टिंग काफ़ी कमाल का की है जो आप सभी को पसंद ज़रूर आएंगी तो अगर आप एक बेहद ही शानदार मूवी को देखना चाहते हैं जो फैमिली के साथ देखने लायक हो जिसका क्लाइमेक्स शॉकिंग हो तो इस मूवी को आप देख सकते हैं क्योंकि इस मूवी का क्लाइमैक्स आप सभी को हिला देगा वैसे तो आप सभी लोग जानते ही होगी बट जो मूवी की हीरोइन है वो इन सब के बारे में नहीं जानती होगी जब क्लाइमैक्स आएगा तब उसको मालूम पड़ता है कि ये तो बहुत ही बड़ा स्कैम हुआ मेरे साथ वो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप जब इस मूवी को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे आप सभी लोगों ने एक बात जरूर सुनी होगी कि हर इंसान के अंदर दो तरह के लोग होते हैं एक अच्छा एक बुरा तो मूवी की कहानी आप इसी तरह समझ लीजिए मूवी के अंदर जो मैन हीरो है यानी कि जो शाहरुख खान है वो यहाँ पर राज के रोल में है जो अनुष्का है वो यहाँ पर तनी के रोल में है दरअसल जो राज है वो पहले तो वो एकदम भैया जी टाप लुक में घूमता है तनी तानी से मिलता है और उससे मतलब प्यार करता है मतलब वन साइड लव होता है उससे बातें करता रहता है बट वो उससे प्यार नहीं करती है क्योंकि वो देखने में भयाची टाइप था अच्छा नहीं था और उसका लुक भी कुछ ठीक ठाक नहीं था फिर दूसरे सीन में यह मालूम पड़ता है कि जो राज है वो अच्छे कपड़े पहन के आता है चश्मा लगे के आता है एकदम प्रो बन के आता है फिर यहाँ पर जो ताने उससे उसको प्यार हो जाता है दोनों पास आते आगे बढ़ते हैं कहानी आगे बढ़ते है फिर राज को मालूम पड़ जाता है कि दरअसल मेरे लुक में ही कमी थी पर राज उसको ये कभी नहीं बताता है कि जो पहला वो जो बंदा है भया जी टाइप वो मैं ही हूँ अब तानी भी ये बात नहीं जानती थी जैसे कहाँ कहानी आगे बढ़ती है इन दोनों के बीच में प्यार बढ़ता है फिर वो लुक चेंज होता रहता है कभी वो भैया जी बन जाता है कभी अच्छा बन जाता है मतलब प्रो बन जाता है कभी नूब बन जाता है वैसे वो घूमता रहता है पर जब क्लाइमेक्स तक बात आती है तो तानी को भी शौक़ लगता है जब उसको पता चलता है बट इस मूवी से एक बात आपको ज़रूर सीखने को मिलेंगी कि अगर हमारे लुक अच्छा हो तो भाई कुछ भी कभी भी क्या कुछ भी हो सकता है मतलब कि लोग आज भी लुक ही देखते हैं पर्सनैलिटी देखते हैं इंसान अंदर से कितना अच्छा है वो कभी कोई देखता ही नहीं है भाई भले लोग कहते हैं कि लोग आज शकल नहीं देखते नहीं देखते बट लोग शक्ल ही देखते हैं और अपना लुक देखते हैं पर्सनैलिटी देखते हैं फिर जज करते हैं बाकी वैसे जो पहले बंदा इस मूवी के अंदर दिखाया जाता है शाहरुख खान वो भी दिल का काफ़ी अच्छा होता है तो तब जो है उससे प्यार उसको प्यार नहीं होता है अब जब बाद में उसको मालूम पड़ भी जाता है तब भी इतना फ़र्क तो नहीं पड़ेगा क्योंकि वो यहाँ पर आपको इस मूवी से बहुत ही बड़ी सीख मिलेंगी तो मूवी को एक बार ज़रूर देखिए अगर आप लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा ना तो आप सभी लोगों ने एक बहुत ही कमाल की मूवी को मिस किया है इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा आपको जब भी टाइम मिले इस मूवी को यूट्यूब पर देखिए रेंट पर लेकर देखिए इस मूवी को मूवी आपका जो सेवेंटी फाइव रुपीज़ है वो ज़रूर वसल हो जाएगा इसके अलावा मूवी जो है वैसे टी टीवी पर आती रहती है तो आप लोग जो है इस मूवी को टी पर भी देख सकते हैं क्योंकि टी पर तो आपको इस मूवी को देखने के लिए शायद कोई पैसे देने नहीं पड़ेंगे तो आप इस मूवी को टी पर भी देख सकते हैं काफ़ी कमाल की मूवी है इस मूवी के अंदर शाहरुख खान ने काफ़ी कमाल की एक्टिंग की है भाई मेरा तो भाई दिल खुश हो गया जब मैंने इस मूवी को देखा था और आपका भी दिल ज़रूर खुश हो जाएगा क्योंकि जो शाहरुख खान है उनकी एक्टिंग काफ़ी सही थी इस मूवी के अंदर बहुत ही कमाल की एक्टिंग यहाँ पर की है इसके अलावा अनुष्का शर्मा ने भी यहाँ पर बहुत ही शानदार एक्टिंग की है दोनों ने यहाँ पर काफ़ी कमाल की एक्टिंग की है आप सभी को जब भी टाइम मिले इस कमाल की मूवी को चेकआउट कीजिए आप इस मूवी को आपकी पूरी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं हाल ही में शाहरुख खान की एक कमाल की मूवी आई थी जिसका नाम था पठान जिसने बहुत से रिकॉर्ड तोड़े जिन लोगों को लग रहा था कि यह मूवी फ्लॉप रही थी इनके लिए बड़ा जवाब था तो आज हम यहाँ पर एक और कमाल की जो मूवी है शाहरुख खान की उसी के बारे में बात करेंगे और ये जो मूवी है वो आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी और दोस्तों अगर यह मूवी आज रिलीज़ होती मतलब 2023 के अंदर इस मूवी को रिलीज़ किया जाता तो क्या यह मूवी ब्लॉकबस्टर रहती बहुत सारी जानकारी इस मूवी के बारे में आपको देने वाला हो साथ में ये मूवी हिंदी के अंदर कहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं मूवी का फुल रिव्यू यहाँ पर करूँगा साथ में इस मूवी के बारे में आप सभी को बहुत ही शानदार फैक्ट्स बताने वाला हो जो आपको पसंद ज़रूर आएंगे मूवी की अगर बात करें तो मूवी का नाम तो आप सभी को पता ही है रब ने बना दी जोड़ी मूवी को 2008 के अंदर रिलीज़ किया गया था और मूवी के अंदर आपको रोमांस देखने को मिलता है और मूवी का जो प्लॉट है वो काफ़ी सुंदर है काफ़ी कमाल का है जो आप सभी को पसंद ज़रूर आएगा चलिए हम बात करते हैं कि इस मूवी को हम देखना चाहते हो तो कहाँ पर देखने को मिलेंगी वैसे दोस्तों यशराज की जितनी भी मूवीज़ है वो हमें यूट्यूब पर तो मिल जाती है पर यूट्यूब पर देखने के लिए हमें कुछ पैसे देने पड़ते हैं तो इस मूवी को अगर आपको यूट्यूब पर देखना है तो लगभग आपको सेवनटी फाइव रुपीज़ देने पड़ेंगे यूट्यूब को फिर आप इस मूवी को देख सकते हैं रेंट पर लेकर इसके अलावा मूवी जो है वो आपको एप्पल टी पर देखने को मिल जाएंगी और बहुत सारे थर्ड पार्टी साइट्स पर अवेलेबल है और टी पर ये मूवी अक्सर आती रहती है तो आप इस मूवी को टी पर भी देख सकते हैं काफ़ी सही मूवी है इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिए आपका दिल खुश हो जाएगा अगर हम बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में तो जो आई है वहाँ पर इस मूवी को टेन आउट ऑफ सेवन पॉइंट टू की रेटिंग मिली थी इसके अलावा इस मूवी को एट्टी फाइव परसेंट लोगों ने लाइक्स दिया था मूवी को डायरेक्ट किया था आदित्य चोपड़ा ने जो कि एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर रहे थे इन्होंने काफ़ी अच्छी मूवीज़ पहले बनाई थी जो कि लोगों द्वारा काफ़ी पसंद भी की गई थी इनकी हम कुछ मूवीज़ के बारे में बात करें तो इनकी जो दोस्तों मूवीज़ थी वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी अच्छी रही थी तो इन्होंने पहले भी दिल वाले धुनिया ले जाएंगे मोहब्बत बेफिक्रे जैसी मूवीज़ के अंदर जो है वो काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है चलिए बात करते हैं आगे जो है हम इस मूवी के स्टारकास्ट के बारे में तो इस मूवी की वैसे तो मैन स्टारकाफ्ट आप सभी लोग जानते ही हो शाहरुख खान अनुष्का शर्मा तो यहाँ पर ये दो मैन काफ्ट है इसके अलावा आपको यहाँ पर प्रीति झिंडा विनय पाठक दीपा सुबासु अलंडी सोजा राजेश जेस विवन बटेना लारा दत्ता अरजीज गंडी अनुज टिक्कू ईशा कोपीकर एम के रहना रुसद रहना अनिशा दलाल मनमीत सिंह ऋचा पिलोड मार्क सकटो और भी यहाँ पर ढेर सारे कास्ट इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे जिनकी एक्टिंग काफ़ी कमाल का की है जो आप सभी को पसंद ज़रूर आएंगी तो अगर आप एक बेहद ही शानदार मूवी को देखना चाहते हैं जो फैमिली के साथ देखने लायक हो जिसका क्लाइमेक्स शॉकिंग हो तो इस मूवी को आप देख सकते हैं क्योंकि इस मूवी का क्लाइमैक्स आप सभी को हिला देगा वैसे तो आप सभी लोग जानते ही हो बट जो मूवी की हीरोइन है वो इन सब के बारे में नहीं जानती होगी जब क्लाइमैक्स आएगा तब उसको मालूम पड़ता है कि ये तो बहुत ही बड़ा स्कैम हुआ मेरे साथ वो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप जब इस मूवी को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे आप सभी लोगों ने एक बात जरूर सुनी होगी कि हर इंसान के अंदर दो तरह के लोग होते हैं एक अच्छा एक बुरा तो मूवी की कहानी आप इसी तरह समझ लीजिए मूवी के अंदर जो मैन हीरो है यानी कि जो शाहरुख खान है वो यहाँ पर राज के रोल में है जो अनुष्का है वो यहाँ पर तनी के रोल में है दरअसल जो राज है वो ये पहले तो वो एकदम भैया जी टाप लुक में घूमता है तनी तनी से मिलता है और उससे मतलब प्यार करता है मतलब वन साइड लव होता है उससे बातें करता रहता है बट वो उसे प्यार नहीं करती है क्योंकि वो देखने में भया जी टाइप था अच्छा नहीं था और उसका लुक भी कुछ ठीक ठाक नहीं था फिर दूसरे सीन में, में यह मालूम पड़ता है कि जो राज है वो अच्छे कपड़े पहन के आता है चश्मा लगे के आता है एकदम प्रो बन के आता है फिर यहाँ पर जो ताने है उससे उसको प्यार हो जाता है दोनों पास आते आगे बढ़ते हैं कहानी आगे बढ़ते है फिर राज को मालूम पड़ जाता है कि दरअसल मेरे लुक में ही कमी थी पर राज उसको ये कभी नहीं बताता है कि जो पहला वो जो बंदा है भाई जी टाइप वो मैं ही हूँ अब तानी भी ये बात नहीं जानती थी जैसे कहाँ कहानी आगे बढ़ती है इन दोनों के बीच में प्यार बढ़ता है फिर वो लुक चेंज होता रहता है कभी वो भया जी बन जाता है कभी अच्छा बन जाता है मतलब प्रो बन जाता है कभी नूब बन जाता है वैसे वो घूमता रहता है पर जब क्लाइमेक्स तक बात आती है तो तानी को भी शौक़ लगता है जब उसको पता चलता है बट इस मूवी से एक बात आपको ज़रूर सीखने को मिलेंगी कि अगर हमारे लुक अच्छा है तो भाई कुछ भी कभी भी क्या कुछ भी हो सकता है मतलब कि लोग आज भी लुक ही देखते हैं पर्सनैलिटी देखते हैं इंसान अंदर से कितना अच्छा है वो कभी कोई देखता ही नहीं है भाई भले लोग कहते हैं कि लोग आज शक्ल नहीं देखते नहीं देखते बट लोग शकल ही देखते हैं और अपना लुक देखते हैं पर्सनलिटी देखते हैं फिर जज करते हैं बाकी वैसे जो पहले बंदा इस मूवी के अंदर दिखाया जाता है शाहरुख खान वो भी दिल का काफ़ी अच्छा होता है तो तब जो तने उससे प्यार उसको प्यार नहीं होता है अब जब बाद में उसको मालूम पड़ भी जाता है तब भी इतना फ़र्क तो नहीं पड़ेगा क्योंकि वो यहाँ पर आपको इस मूवी से बहुत ही बड़ी सीख मिलेंगी तो मूवी को एक बार ज़रूर देखिए अगर आप लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा ना तो आप सभी लोगों ने एक बहुत ही कमाल की मूवी को मिस किया है इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा आपको जब भी टाइम मिले इस मूवी को यूट्यूब पर देखिए रेंट पर लेकर देखिए इस मूवी को मूवी आपका जो सेवेंटी फाइव रुपीज़ है वो ज़रूर वसूल हो जाएगा इसके अलावा मूवी जो है वैसे टी वी पर आती रहती है तो आप लोग जो है इस मूवी को टी वी पर भी देख सकते हैं क्योंकि टी वी पर तो आपको इस मूवी को देखने के लिए शायद कोई पैसे देने नहीं पड़ेंगे तो आप इस मूवी को टी वी पर भी देख सकते हैं काफ़ी कमाल की मूवी है इस मूवी के अंदर शाहरुख खान ने काफ़ी कमाल की एक्टिंग की है भाई मेरा तो भाई दिल खुश हो गया जब मैंने इस मूवी को देखा था और आपका भी दिल ज़रूर खुश हो जाएगा क्योंकि जो शाहरुख खान है उनकी एक्टिंग काफ़ी सही थी इस मूवी के अंदर बहुत ही कमाल की एक्टिंग यहाँ पर की है इसके अलावा अनुष्का शर्मा ने भी यहाँ पर बहुत ही शानदार एक्टिंग की है दोनों ने यहाँ पर काफ़ी कमाल की एक्टिंग की है आप सभी को जब भी टाइम मिले इस कमाल की मूवी को चेकआउट कीजिए आप इस मूवी को आपकी पूरी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं